चलिए भाई, वेलकम वेलकम। आप सब लोगों का क्या हाल चाल है यार? शाबाश, जल्दी जल्दी आ जाइए फटाफट सब लोग, कम फास्ट। चलो चलो भाई चलो। कैसे हैं सब लोग? थोड़ा सा यार हमें भी वेट चाहिए, 10 मिनट तो तुमसे मांग ही रहे हैं। कितना टाइम मांग रहे हैं तुम लोगों से? 10-1 मिनट का टाइम तुम लोगों से मांगते हैं। ज्यादा तुम लोगों से इच्छा भी नहीं है, बस आप लोग बने रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, और हम लोग क्या ऐसे ही क्या हम लोग जीतते रहेंगे। ऐसे ही क्या है हम लोग यहाँ पर, क्या है, जीतते रहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है? और बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे और जीतेंगे भाई। और क्या, यहाँ पर हम लोग जीतेंगे। सो प्लीज एक बार अटेंडेंस हो जाए फटाफट, प्लीज यहां पर क्या एक बार क्या हो जाए, प्लीज एक बार अटेंडेंस। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या बचे? असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां कमी रह गई देखो और उसे सुधार करो। यही सफलता का मूल मंत्र है। यही क्या है? यही सफलता का मूल मंत्र है। चलो भाई एक बार सब लोग अटेंडेंस टाइम, बॉस अटेंडेंस टाइम, अटेंडेंस अटेंडेंस सब लोग, शाबाश, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। मजे आ गए? शाबाश, मजे आने चाहिए बस तुम लोगों को, मजे आने चाहिए। बस एक बार भाई शेयर का बटन और कर दो यार, शाबाश, शेयर का बटन प्लीज दबा दीजिए एक बार सब लोग, रिक्वेस्ट है। प्लीज क्या कर दो भाई साहब, सब लोग क्या कर दो, शेयर कर दो। और आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग, आप सब लोग यहाँ पर क्या है, गुड मॉर्निंग भाई, तैयार हो जाओ। जंग का ऐलान हो चुका है और हम लोग यहाँ पर क्या है बच्चा, पार्टी, हम लोग जीतने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर क्या है, जीतने वाले हैं। ओके 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 ओके। चलो भाई पहला क्वेश्चन आप सब सबके सामने, पहला सवाल आप सब लोगों के सामने, पहला सवाल है द वर्ड बिजारे मीन्स, द वर्ड बिजारे मीन्स यहां पर क्या होगा? द वर्ड बिजारे मीन्स, द वर्ड बिजारे मीन्स आप मुझे बताएंगे यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या होगा यहां पर? द वर्ड बिजारे मीन्स क्या होगा? शाबाश, जल्दी बताइए भाई, वर्ड बिजारे का मतलब यहां पर क्या होगा? जल्दी बताओ, इतना समय लगाओगे तो कैसे काम चलेगा भाई, इतना समय लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? एक वर्ड कराऊंगा बस तुम्हें, थोड़ा सा तुम्हारा मोटिवेशन हो जाए, बाकी सर तुम्हें कराएंगे इंग्लिश वाले सर, बाकी तुम यहां पर क्या है, इंग्लिश वाले सर तुम्हें कराएंगे, ध्यान रखना। आई थिंक द राइट ऑप्शन इज बॉस, राइट ऑप्शन इज, क्या लिखोगे तुम लोग यहां पर, क्या है, राइट ऑप्शन इज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स आउट ऑफ 4 चॉइसेस गिवन आफ्टर ईच द वर्ड बिजारे मीन्स। बिजारे के सिनोनियम्स मुझे बताएंगे। लगता है जोश ठंडा है, लगता है यहां पर क्या है भाई, लगता है यहां पर जोश ठंडा है। 130 पहुंचे अब तक, 130 पहुंचे। देखो बच्चे, इसका मतलब यहां पर क्या होता है, बिजारे मतलब स्ट्रेंज होता है। बिजारे का मतलब यहां पर क्या होता है बच्चे, बिजारे का मतलब यहां पर क्या होता है बच्चे, स्ट्रेंज होता है, ठीक है? तो आई थिंक यहां पर बी वुड बी द राइट ऑप्शन। यहां पर क्या है भाई, बी वुड बी द राइट ऑप्शन। इंग्लिश वाले सर तुम्हें इंग्लिश पढ़ाएंगे, क्या बच्चे यहां पर, इंग्लिश वाले सर यहां पर क्या आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाएंगे। लेकिन मैंने एक सवाल तुम लोगों को करा दिया, थोड़ा सा सही तरीके से चलना उसमें। 15+ नंबर का टारगेट आपको रखना है इंग्लिश में, यू हैव टू स्कोर 15+। अपने वाले मुद्दों पर आ जाओ, अपने वाले सवालों पे आ जाओ, जहां पर अपने को काम करना है। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक, नर्मदा नदी ओरिजिनेट फ्रॉम, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से हुआ है। अमरकंटक है कहां? अमरकंटक यहां पर है कहां, जल्दी मुझे बताओ। शाबाश, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में? शाबाश, कहां पर है मुझे बताइए। हो जाएगा यार गेमिंग भाई, हो जाएगा तेरा काम, मुझे बताइए यहां पर। शाबाश, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, ध्यान रखना। नर्मदा नदी का बच्चे यहां पर सही जवाब यहां पर क्या होगा, ध्यान रखना। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, जो कहां पर है, जो एमपी में है, जो कहां पर है, एमपी में। मैंने आपको बताया बच्चे, सतपुड़ा रेंज मैंने आपको पढ़ाया था, सतपुड़ा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। ये सतपुड़ा है, ये महादेव है, ध्यान रखना, ये क्या है, महादेव है। और ये क्या है बच्चे यहां पर, ये मैकॉल है, ये क्या है, ये मैकॉल है। और ये पूरा क्या है बच्चे यहां पर, ये पूरा सतपुड़ा रेंज है। इसी मैकॉल से क्या है, नर्मदा नदी निकलती है, ध्यान
ध्यान रखना, दैट मीन्स यहां से क्या निकलती, यहां से नदी एक और निकलती है, सोन नदी निकलती है, और यहीं पे क्या है, यहीं पे पड़ता है बच्चे अमरकंटक। क्या पड़ता है यहीं पे? अमरकंटक। नर्मदा के ऊपर बच्चे एक शहर बसा हुआ है। नर्मदा नदी के बारे में अगर जानोगे तो नर्मदा नदी तीन राज्यों से होकर बहती है, एमपी है बच्चे, महाराष्ट्र है और गुजरात है, और अंत में कहां गिर जाती है, अंत में बच्चे गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में क्या बच्चे गिर जाती है, गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी में क्या है, यहां पर वो गिर जाती है। तीन राज्यों से होकर बहती है। नर्मदा नदी के ऊपर एक प्रमुख शहर है बच्चे, ध्यान रखना, जिसका नाम जबलपुर है। याद करने की ट्रिक क्या है, याद करने की ट्रिक है जबलपुर नामर्द है। याद करने की ट्रिक यहां पर क्या बच्चे, जबलपुर नामर्द है, ध्यान रखना बच्चे। टेलीग्राम में आओ, एमपी से हो तुम, पता होगा तुमको, जिन लोगों को नहीं मिल रही है मॉर्निंग की क्लासेस, वो इस नाम से टेलीग्राम चैनल देख लो, तुम्हारे ऊपर बच्चे पिन भी किया हुआ मैंने यार, पिन भी तुमको ऊपर कर रखा है, उसको देख लो यहां पर। तो नर्मदा के ऊपर सारा सवाल क्लियर हो गया। अमरकंटक कहां पर पड़ता है, एमपी में। कहां पड़ता है बच्चे, एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्या बच्चे, मध्य प्रदेश में क्या है, पड़ता है। ऑल राइट, चलो भाई 200 के नजदीक पहुंचने वाले हैं, जल्दी जल्दी करिए, शाबाश। Which one of the following lakes in India has the highest water salinity? बताओ, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? शाबाश। Highest water salinity की बात कर रहा हूं, highest water salinity, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जल्दी मुझे बताओ। सारे सवाल तो मैं सिलेक्ट करा दूंगा मैं, शाबाश, सारे सवाल क्या मैं तुम्हें इससे रिलेटेड करवा दूंगा। चलो भाई, जिसको नहीं पढ़ना हो वो क्लास में ना आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं, देखो भाई यहां पर जब भी देखो, दो झीलें हैं, डल क्या है सबसे, यहां पर वूलर है, यहां पर क्या बच्चे सांभर है। देखो ध्यान, दो टाइप की लेक होती है, एक होती है बच्चे सॉल्ट लेक, एक होती है बच्चे फ्रेश वाटर लेक। एक क्या होती है, फ्रेश वाटर लेक। इंडिया में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक का नाम जब भी आएगा तो वूलर का नाम लेंगे, जब भी सबसे बड़ी आएगा बच्चे तो यहां पर क्या नाम लेंगे हम लोग, यहां पर हम लोग सांभर का नाम लेंगे, ठीक है। यहां पर एक वर्ड है चिल्का, चिल्का यहां पर क्या है, चिल्का एक लेगून है। चिल्का यहां पर क्या बच्चे, चिल्का एक लेगून है, ध्यान रखना। आमतौर पर उसको हम लेक ही कंसिडर करते हैं, ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगा। अगर ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है तो आज ज्योग्राफी का स्पेशल क्लास है 5 से 7, 5 to 7 PM यहां पर क्या है, ज्योग्राफी का स्पेशल क्लास, उसमें आ जाना। 11:30 बजे स्टैटिक जीके भी है, ध्यान रखना। 11:30 बजे क्या बच्चा पार्टी, स्टैटिक जीके है, अन अकेडमी के ऊपर आ जाना, उसके अंदर ध्यान रखना, ठीक है। तो फ्रेश वाटर यहां पर क्या बच्चे, वूलर लेक है। क्या बच्चे, वूलर लेक है, जो कहां, जम्मू कश्मीर में। सांभर कहां है बच्चे, यहां पर राजस्थान में। अगर मैं कहूं दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी बच्चे, ध्यान रखना, दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर लेक है। क्या है, सुपीरियर लेक है, वो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है। कहां पर है वो, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है। अगर सबसे बड़ी सॉल्ट लेक की बात हो, उसका नाम क्या बच्चे, उसका नाम यहां पर कैस्पियन सी है। उसका नाम यहां पर क्या बच्चा पार्टी, कैस्पियन सी है। यूएसए और कनाडा के बॉर्डर का नाम 49 पैरेलल लाइन है। सवाल पूछ लेगा 49 पैरेलल लाइन किन दो देशों के बीच में है, तो यहां पर क्या आएगा, यूएसए और कनाडा आएगा। यहां पर क्या आएगा भाई, यहां पर यूएसए और कनाडा आएगा, ध्यान रखना। क्लियर है भाई, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। कोई डाउट यहां तक, देखो ऐसे तैयार करना होता है, जब भी बच्चे यहां पे लवणता की बात आई, सॉल्ट लेक की बात है, तो आंसर सांभर होगा। भारत में सबसे बड़ी सॉल्ट लेक सांभर है। यहां पर पूछेगा वर्ल्ड में कौन सी है, कैस्पियन सी है। अब सॉल्ट की बात क्या आएगी, फ्रेश वाटर की, तो फ्रेश कौन सी सबसे बड़ी, वूलर है। वर्ल्ड की कौन सी है, सुपीरियर लेक है। वूलर कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। सुपीरियर कहां पर है, यूएसए कनाडा के बॉर्डर पर है। यूएसए कनाडा के बॉर्डर का नाम क्या, 49 पैरेलल लाइन है। ये होता है तरीका पढ़ने का यार, एक ही सवाल में मल्टीपल चीजों को क्लियर कर देना, दिस इज द ओनली थिंग। यही तो मजा है सबसे ज्यादा, यही क्या बच्चे, यही तो मजा है, ठीक है। अब जिनको जाना है वो जा सकते हैं, मेरा मतलब नहीं है। देखो बताओ भाई, जो प्रधानमंत्री की जो सैलरी होती है, प्रधानमंत्री का सैलरी और जो भत्ते होते हैं, उनका किसके द्वारा निर्धारण किया, किसके द्वारा उनको डिसाइड किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, संविधान के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, या फिर पार्लियामेंट के द्वारा, मुझे बताएंगे यहां पर, टेल मी फटाफट। जो सैलरी होती है प्रधानमंत्री की, उनको किसके द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन, कैबिनेट, पार्लियामेंट, या फिर प्रेसिडेंट, फटाफट कमेंट करो, शाबाश, कमेंट कमेंट, जल्दी जल्दी। बहुत सही,
चलो 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 सब लोग देखें कौन कौन टाइप करता है। शाबाश। देखो भाई यहां पर इन सब का निर्धारण पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। यहां पर क्या बच्चे पार्लियामेंट। मैं तुम्हें फिर बताऊं बच्चे पॉलिटी के अंदर सबसे मेन ध्यान रखना प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट का टॉपिक एक सवाल पक्का आता है प्रेसिडेंट एंड इट्स पावर। क्या बच्चे प्रेसिडेंट एंड इट्स पावर सबसे मेन गेम है। क्या बच्चे प्रेसिडेंट एंड इट्स पावर सबसे मेन गेम है। सारा का सारा बच्चे 1000 क्वेश्चन तुम लोगों के लिए टाइप करवा रहा हूं। उस 1000 में सारी चीज को क्लियर कर दूंगा। उस 1000 में यहां पर क्या है उस 1000 में यहां पर सारी चीजों को यहां पर क्या क्लियर करके बच्चे गेम उड़ा देंगे। ध्यान रखना गर्दा उड़ा देंगे। और कल रात को मैंने तुमसे वादा किया था ये 20 दिन जितने बचे मुझे दे दो। वो बोलते ना डायलॉग सुना हुआ तुम लोगों ने है ना डायलॉग सुना हुआ तुम लोगों ने ठीक है। जुलाई में ज्वाइनिंग है शोल्डर डिसलोकेट हो गया गिव मी कॉन्फिडेंस। अभी ज्वाइनिंग थोड़ा सा लेट भी हो सकती है यार क्या करोगे जल्दी जाके। मैंने तुमको बताया था एग्जाम का डेट तुम्हारा इतना हो गया है जल्दी ही फेज टू का डेट भी अनाउंस करेंगे। जल्दी यहां पर क्या है जल्दी तुमके तुम्हारे लिए यहां पर फेज टू का डेट भी क्या हम लोग अनाउंस करेंगे। तो नो नीड टू वरी जस्ट रिलैक्स। क्या बच्चा पार्टी जस्ट रिलैक्स ध्यान रखना। आगे चलते हैं। हाँ भाई शार्क में सी का मतलब क्या है शार्क में सी का मतलब क्या है। कल ही मैं तुमको पढ़ा रहा ज्योग्राफी में क्या है कल ही मैंने तुमको पढ़ा रहा बताओ फटाफट कमेंट करके शार्क में सी का मतलब क्या है शार्क में सी का मतलब क्या है। हाँ भाई बोंग फिटनेस अब तो खुश हो अब तो यहां पर खुश हो ना। बाइलिंगुअल चल रहा है मॉक टेस्ट भी। सी का मतलब क्या जल्दी मुझे बताइए शाबाश। यहां पर सी का मतलब क्या है जल्दी से मुझे बताइए। देखो भाई शार्क का मतलब क्या होता है साउथ एशियन क्या है साउथ एशियन एसोसिएशन क्या है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फॉर क्या बच्चे यहां पर रीजनल कोऑपरेशन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसमें 8 सदस्य हैं। 1985 में इसको बनाया गया था और कौन कौन सदस्य हैं एमबीबीएस यहां पर क्या लिखोगे पेन एमबीबीएस पेन। एम का मतलब मालदीव है म्यांमार मत कर देना। बी का मतलब भूटान हो गया। बी का मतलब बांग्लादेश। एस का मतलब श्रीलंका पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया और यहां पर क्या है नेपाल। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है वो काठमांडू में है। मैं बार बार बोलता हूं एक सवाल अंतरराष्ट्रीय संगठन से पूछता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सवाल क्या है एक पूछता ही पूछता है ठीक है। इसीलिए तुम्हारे साथ एक एक सवाल को कराना मेरा रिक्वायरमेंट है और मैं तुम्हें कराऊंगा। आगे फायर फाइटिंग क्लोज जो अग्नि आप देखते होंगे जब आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं। जब आग लग जाती है तो यहां पर क्या है फायर ब्रिगेड वाले आते हैं। तो वो जो किससे बने होते हैं वो माइका के एस्बेस्टोस के बने होते हैं या फिर टाल के या फिर स्विटलाइट के बताओ शाबाश। इनमें से किसके बने होते हैं इनमें से किसके बने होते हैं अग्निशमन जो कपड़े होते हैं जो फायर फाइटर पहनते हैं वो किसके बने होते हैं जल्दी मुझे बताइए शाबाश। पीडीएफ डाल दी भाई पीडीएफ डाल दी है जाके टेलीग्राम पे चेक करो। जो मॉर्निंग में तुम्हें टेस्ट कराया था उसकी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है। अब इसकी पीडीएफ क्लास खत्म होते ही तुम्हें मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ क्या है तुम्हें क्लास खत्म होते मिल जाएगी शाबाश बहुत खूब। डिफेंस गुरुजी को ज्वाइन कर रखो टेलीग्राम भी और ये भी ध्यान रखना। अब देखो यहां पर क्या है बच्चे ये एस्बेस्टोस से बनी होती किससे बनी होती ध्यान रखना। ये यहां पर एस्बेस्टोस से बनी होती है। अच्छा सवाल है पूछा गया है अच्छा सवाल है ये क्या है पूछा जा चुका है प्लीज ध्यान रखना। नेक्स्ट ये स्टेटमेंट गांधी जी ने दिया था। गांधी जी ने कहा था इट वॉज ए पोस्ट डेटेड चेक। किसको कहा था पोस्ट डेटेड चेक साइमन कमीशन को कहा था जिसके अंदर सिर्फ गोरे लोग थे। यहां पर क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था कैबिनेट मिशन के बारे में कहा था फिर यंग हस्बैंड मिशन के बारे में पता था। ये पता नहीं कौन सा मिशन है यंग हस्बैंड मिशन पता नहीं है सर प्लीज आई लव यू। अरे भाई आई लव यू टू यार। अरे कपिल देव को दिक्कत हो तो मेरे से मिल लेना यार भिवानी हरियाणा के। क्यों घबरा जाते हो भाई क्यों तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है बच्चे तुम्हारे लिए यहां पर क्या जान भी हाजिर है। किसके लिए था ये मुझे बताओ। वृंदावन से भी लोग हैं मथुरा से लोग मेरे पास आए हैं मेरे पास लोग इटावा से आए हैं मेरे पास लोग बिजनौर से आए हैं मेरे पास लोग बच्चे यहां पर ध्यान रखना यूपी में मुजफ्फर से आए हैं अलीगढ़ से आए हैं बुलंदशहर से आए हैं बागपत से आए हैं बड़ौद से आए हैं शामली से आए हैं भाई
और मेरे पास सीतापुर मनोज पांडे के गांव से बच्चा आगे पढ़ के गया, अभी लग रहा है अनमोल नाम है उसका, दिल्ली अभी पोस्टेड है वो, मतलब अल्टीमेट मैंने अयोध्या तक के बच्चों को पढ़ा रखा है, यूपी में कोई नहीं छोड़ रखा, कोई भी जिला नहीं छोड़ रखा जहां पर यहाँ के बच्चे, यूपी के बच्चे यहां ना आते, एवरीवेयर। चलो भाई यहां पर देखो, ये क्रिप्स मिशन के बारे में ऐसा कहा था, किसके बारे में कहा था भाई, यहां पर ये सब क्रिप्स मिशन के बारे में, आगरा के लोग आ चुके हैं, क्रिप्स मिशन के बारे में क्या है ये लोग यहां पर कहा गया था, ध्यान रखना। ठीक है भाई, ग्वालियर तक के बच्चे यहां पर गए, बच्चे पढ़ने आ चुके हैं। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, बताओ भाई ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं, मुझे बताओ इनमें से किस रीजन को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, इनमें से यहां पर किस रीजन को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड यहां पर कहा जाता है, जल्दी मुझे बताइए ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड यहां पर इनमें से किस फिगर को कहा जाता है, ब्रेड बास्केट ऑफ द, बताइए शाबाश किसको कहा जाता है जल्दी मुझे बताइएगा। बच्चे ध्यान रखना, भूमध्य सागर के रीजन को ऐसा कहा जाता है, इतना समय लोगे तो कैसे काम चलेगा, जोश ठंडा हो गया है, जोश मुझे लगता है क्या है, ठंडा हो गया है। कल मैंने तुमको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई थी यार, वो लगता है मुझे तुम लोगों से इंप्लीमेंट नहीं हुई, ध्यान रखना सुबह क्या है मुझे सर तुम लोगों से इंप्लीमेंट नहीं हुई, वो जोश मुझे मिसिंग लगता है तुम्हारे अंदर। एक बार सब लोग मां कसम लिखो यार, ये लो तुम्हें, तुम्हें तो बच्चे इमोशनली टॉर्चर करना पड़ेगा, सब लोग क्या लिखो, मां कसम, ये लिखो भाई मां कसम टाइप कर दो, तुम्हारे से क्या क्या करवाऊं मैं यार, तुम लोगों से क्या क्या करवाऊं मैं, चलो 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 भाई शाबाश, यही लिख दो कम से कम यार, यही लिख दीजिए, यही लिख दीजिए एक बार। चलो बहुत सही भाई, चलो भाई एक सवाल कंप्यूटर का, वेयर विल बी द फाइंड द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कमांड, क्या होता है ये मुझे बताओ, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कमांड यहां पर ये क्या होता है मुझे बताना। ऐसे सवालों को छोड़ देना चाहिए, क्या ऐसे सवालों को, ऐसे सवालों को यहां पर छोड़ देना चाहिए भाई, यहां पर कैसे सवालों को, यहां पर क्या ऐसे सवालों को तो भाई बिल्कुल क्या है छोड़ देना चाहिए। मैंने फिर भी कहा तुम्हें, हर बार हर क्वेश्चन को करके तुम लोग सेलेक्ट नहीं हो सकते हो, तुम्हारे पेपर में नेगेटिव मार्किंग का अवार्ड भी है यार, नेगेटिव मार्किंग का अवार्ड, चलो भाई बैक टू द वर्क, क्या बच्चा पार्टी, बैक टू द वर्क, बैक टू द वर्क, चलो आगे चलते नेक्स्ट। अब आ जाओ भाई मैथ के ऊपर, ए पर्सन बाय सम पेंसिल एट 5 for ₹1 एंड सेल देम एट 3 for ₹1 गेन प्रॉफिट, दो भाई 5 पेंसिल खरीदी ₹1 की, 3 पेंसिल बेच दी ₹1 की, मुझे गेन परसेंट बताओ, मुझे यहां पर क्या है भाई, मुझे यहां पर गेन परसेंट बताइए भाई शाबाश, मुझे यहां पर क्या है भाई, मुझे यहां पर गेन परसेंट बताओ सब लोग शाबाश, गेन परसेंट मुझे बताएंगे सब लोग, चलो भाई क्या आंसर आएगा फटाफट जल्दी मुझे बताइए, 5 पेंसिल बच्चे खरीदे यहां पर, 5 पेंसिल ₹1 की, यार क्या बात करते हो तुम लोग, क्या क्या लगता है तुम्हें, देखो बच्चे यहां पर लिख दो सीपी, यहां पर लिख दो एसपी, यहां पर लिख दो आर्टिकल, यहां लिख दो प्राइस, 5, 1, 3, 1 अब तुम्हारी मर्जी है, अब हम तो तुम्हें क्या कहें, तुम्हारी मर्जी है बेटा, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम यहां पर कर सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो यहां पर क्या तुम कर सकते हो, आपको देखना है यहां पर। ठीक है, पहला काम वैसे क्या करना चाहिए मैं तुम्हें बताता हूं, ऐसे सवालों में हमेशा आर्टिकल को बराबर करो, क्या करो बच्चे, ऐसे सवालों में हमेशा आर्टिकल को बराबर करो, चलो भाई इसको यहां पर क्या है 3 से गुना कर दो,
पांच ये कितना हो गया, 15 हो गया। इसको यहां पर क्या, 5 से गुना कर दो कितना होगा भाई, इसको 3 से करूंगा तो कितना होगा, 3 रुपए। इसको करूंगा बच्चे 5 से तो कितना होगा, मतलब हमेशा आर्टिकल बराबर करो, हमेशा क्या करो आर्टिकल को क्या करो, बराबर करो आर्टिकल को बराबर करो, ठीक है। 3 रुपए खरीदी, 5 की बेच दी, कितने कमाए, 2, कितने पर कमाया, 3 पर, गुना में कितना, 100, कितना हो गया भाई यहां पर, 200/3 हो गया, कितना हो गया 66, सही 2/3 हो गया अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या होगा बच्चे, 66 सही 2/3, आसान सवाल है। हमेशा क्या करो इनको बराबर करो, हमेशा यहां पर क्या करा बच्चा पार्टी, इनको बराबर कीजिए आप, इनको हमेशा क्या यहां पर बराबर कीजिए, तभी तो बात बनेगी। चलो भाई अगर ये सवाल क्लियर है, कभी भी देखना मैथ हमेशा जुगाड़ से चलेगा, मैथ के लिए हमेशा क्या आपको दाएं बाएं देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैथ हमेशा कहां से चलेगा, मैथ हमेशा जुगाड़ से चलेगा, इसी चीज को यहां पर क्या है आपको देखते हुए आगे चलना है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, जबरदस्त तरीके से पढ़ो, कोई तुम्हें यहां पर रोकने वाला नहीं होगा, नो बडी विल डिस्टर्ब यू, ये बात तुम मान के चलना, कभी भी नहीं बच्चे फेल हो गए। ए बैट्समैन स्कोर 80 रन्स इन 6th इनिंग्स, छठी इनिंग में क्या उसने 80 रन बनाए, जिससे क्या हो गया उसकी एवरेज 5 बढ़ गई, छठी इनिंग में क्या है उसने 80 रन बना दिए, उसकी एवरेज 5 बढ़ गई, तो मुझे बताओ छठी इनिंग के बाद उसकी टोटल एवरेज कितनी होगी, एक बल्लेबाज ने अपनी पारी में छठी पारी में 80 रन बनाए, इस तरह से उसका औसत 5 बढ़ जाता है, तो 6 पारियों के बाद उसका औसत क्या है, 6 पारियों के बाद उसका औसत क्या है, 6 पारियों के बाद यहां पर क्या है उसका औसत क्या है, देखो बेहद आसान सवाल है बच्चा पार्टी, बेहद क्या है आसान सवाल है यार, मान लो उसका एवरेज क्या है भाई, उसका एवरेज x है, उसका एवरेज क्या है भाई x है, कितनी पारियों का x है भाई तुम मुझे बताना जरा, कितनी पारियों का तुम लोगों ने x माना, उसका एवरेज कितना बच्चा यहां पर, उसका एवरेज मान लो यहां पर x है, एवरेज कितना है भाई उसका x, 5 इनिंग तक का, मतलब उसने 5 पारी खेली और उसका एवरेज कितना आ गया भाई x आ गया, That means यहां पर क्या है 5 पारी खेली उसने, उसका एवरेज कितना आ गया यहां पर x आ गया है, तो ये सवाल तो बेहद आसान था यार, करवाने की रिक्वायरमेंट है, कमाल करते हो। छठी इनिंग में क्या किया, छठी पारी में उसने क्या किया यहां पर, छठी पारी में उसने यहां पर एक तरीके से 80 रन बना दिए, कितने बनाए भाई उसने, उसने यहां पर 80 रन बना दिए, ठीक है, यहां पर क्या उसने 80 रन क्या है बना दिए, किसी भी तरीके से तुम उसको बना लो, किसी भी तरीके से यहां पर क्या उसको तुम बना सकते हो, तो यहां पर टोटल कितने हो गए 5x तो थे प्लस में 80 रन बना दिए भाई, बटे में क्या होगा 6, लेकिन ओवरऑल एवरेज क्या बढ़ गया, एवरेज 5 बढ़ गया यार, एवरेज क्या बढ़ गया, एवरेज 5, एक ही इक्वेशन तो लिखनी है यहां पर, एक ही सिंपल इक्वेशन लिखनी है, 5x + 80 = कितना हो गया भाई 6x + 30 हो गया, ये कैंसिल, यहां 50 हो गया, वहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या होगा बच्चे x हो गया, तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू यहां 50 आ गया, x का वैल्यू यहां पर क्या आ गया 50, तो x का वैल्यू 50 था, लेकिन छठी के बाद क्या होगा उसकी 5 और बढ़ गई, तो 50 + 5 कितना होगा 55 हो गया, कितना होगा 50 + 5 क्या उसका 55 हो गया, बताओ कौन सी बड़ी बात थी यार, कौन सा बड़ा सवाल था, हलवा है ये सब, ये सब क्या है, ये सब हलवा है, ये सब यहां पर क्या है भाई, ये सब यहां पर क्या है, हलवा है, समझ में आई चीज, क्लियर हुआ, आइए आगे चलते हैं, सिंप्लीफिकेशन बताना है भाई इसका, बहुत बढ़िया, बार है ऊपर ध्यान रखना, प्लस में 0.37 ऊपर भी बार है, प्लस में 0.80 बार है, वैल्यू बताओ जरा क्या होगी, वैल्यू निकालो जल्दी से, अरे भाई साहब 30 कहां से आया, ये देखो जरा, इसका इससे मल्टीप्लाई नहीं किया क्या मैंने, 6x + 30 उस साइड चला गया यार, ये उस साइड, ये भी तो मैंने क्या निकाल दी, एवरेज ही तो निकाल दी, ये भी क्या थी भाई, अरे यार कमाल करते हो, एक औसत मैंने उसके रन एक्स मान लिए भाई, प्रत्येक पारी में वो एक्स रन बनाता है, तो 5 पारी में कितने बना देगा भाई, 5x बना देगा, कितना बना देगा 5x बना देगा, छठी पारी में उसने 80 रन बना दिए, टोटल रन अपॉन में नंबर ऑफ पारी एवरेज हो गया, यहां से क्या होगा उसका x + 5 बढ़ गया, बराबर रख दो, दोनों ही तो बात एक ही है, दोनों की बात एक ही तो है, बनाओ जरा इस सवाल को, शाबाश, कपिल देव 10 बार तेरे को बता चुका हूं यार, अगर कोई दिक्कत है मेडिकल में समस्या तो यहां आके बात करिए, फोन पे मैं तुम्हें क्या आंसर दूं, बार का मतलब क्या होता है भाई, 63/99 प्लस में क्या है बच्चे 37/99 और यहां पर क्या है बच्चे
80 अपॉन में क्या है 99, 80 अपॉन में यहां पर क्या है बच्चा पार्टी 99 है। दिक्कत कहां है जोड़ दो, 7 और 3 10 0, 8 और 3 11, 11 और 6 17 और 1 18, 180 बटे 99 है। तुम लोग देख लो लगभग कितना है, लगभग 180 बटे 99 है। तो यहां पर 1.80 से क्या है कुछ ना कुछ यहां पर क्या करेगा, कुछ ना कुछ यहां पर एक्सीड करेगा, कुछ ना कुछ यहां पर क्या करेगा बच्चे, कुछ ना कुछ एक्सीड करेगा। तो 1.80 से कुछ ज्यादा कितना है 181 है, कितना यहां पर 1.81 है। अगर बच्चे यहां पर 100 होता मतलब ज्यादा करते तो यहां पर क्या होता 1.80, यहां पर कम है। अगर ये डिनोमिनेटर कम होगा तो क्या होगा, ये तो बढ़ेगा, ओवरऑल वैल्यू क्या है इसकी बढ़ जाएगी, तो कुछ पॉइंट बढ़ेगा तो 181 हो गया। कितना हो गया यहां पर ये 181 हो गया। दैट इज सो सिंपल यार, कुछ भी डिफरेंस नहीं था। ऑफलाइन के बारे में बताना चाह रहा हूं मैं, ऑफलाइन बच्चे 5 जून से शुरू होगा बैच। क्या होगा ऑफलाइन के लिए, यहां पर 5 जून से परीक्षाओं का आप लोगों के लिए 50 बच्चे एक्स के और 50 बच्चे वाई के, डिफेंस गुरुजी बस इतना ही सबको पढ़ाता है सारे साल भर, पूरे वर्ष भर हम इन्हीं को पढ़ाएंगे, इन्हीं को हर तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मेहनत करेंगे और जीत के मानेंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इसका वैल्यू निकालो, देखो भाई 248 प्लस में 52 प्लस में क्या है 144। जल्दी सॉल्व करो, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बहुत इजी है, जल्दी सॉल्व करो, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बहुत इजी है। भिवानी में मुलाकात कर लेंगे यार, तुमसे चिंता मत, तुम पेपर तो निकाल के आओ, तुम्हारा फूलों से स्वागत करूंगा, गुलाब के फूलों से तुम्हारा स्वागत होगा, यही तुम चाहते हो ना, वो करेंगे तुम्हारा स्वागत। देखो भाई ये कितना हो गया 12, 54 और 12 64, ये कितना हो गया 8, तो 248 प्लस में 8 कितना हो गया रूट बचा 256, 256 का रूट फिर से कितना हो गया यहां पर 16 होगा, कितना होगा यहां पर वैल्यू 16 होगी। आगे आ जाओ, 50 बच्चे हैं क्लास में, क्या है एक क्लास में 50 बच्चे हैं, वन ऑफ देम जिनका वेट 50 केजी था गोज अवे, चला गया, वो चला गया एंड ए न्यू स्टूडेंट ज्वाइन, 50 किलो वाला व्यक्ति चला गया, उसकी जगह एक दूसरा बच्चा आ गया, बट द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इंक्रीज बाय हाफ। अगर एवरेज वेट ज्यादा है तो वो जो आने वाला बच्चा है वो 50 किलो से ज्यादा का था, सीधी सी बात है, जो आने वाला बच्चा वो यहां पर क्या था 50 किलो से ज्यादा का था। तो द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट इज, द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट इज, मुझे बताएंगे शाबाश, द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट इज, बहुत ही खूब, द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट इज भाई, बहुत आसान सवाल है, 75 इज द राइट ऑप्शन, क्या आएगा भाई यहां पर 75 इज द राइट, बहुत आसान सवाल है यार, क्या बहुत आसान सवाल है। अब तुम मुझे बताना, एक बार सोच के बतानी, देखो पूरा बच्चे यहां पर 50 बच्चे थे, आखिर में भी कितने रहे 50 ही रहे, एक गया और एक चला गया, कितने रहे 50 ही तो रहे आखिर में भी, लेकिन क्या हो गया एक के जाने से और दूसरे के आने से एवरेज आधा बढ़ गया, एवरेज कितना बढ़ गया आधा बढ़ गया, मतलब अगर 50 बच्चों में एवरेज आधा बढ़ रहा है तो लगभग क्या हो गया बच्चे 25 किलो का फर्क आ गया ना, तो जाने वाला जो था वो 50 वाले से 25 किलो ज्यादा वाला बच्चा आया है, 50 वाला चला गया लेकिन फिर भी एवरेज बढ़ा, तो वेट ज्यादा होगा, तो वेट ज्यादा कितना ज्यादा होगा, अब हर एक बच्चे में क्या आधा किलो का फर्क आएगा तो 25 किलो बढ़ेगा, तो भाई 50 प्लस में 25 कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहां पर, दैट इज 75 बॉस, कितना हो जाएगा यहां पर ये 75 हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा भाई, यहां पर ये 75 हो जाएगा, इजी सवाल था। चलो भाई द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 4689 लीव्स 0 रिमाइंडर इन ईच केस, व्हेन डिवाइड बाय 13 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 7, बताओ, बहुत अच्छा सवाल बच्चे, ये सवाल है एचसीएम और एलसीएम से, एचसीएफ और क्या है, ये सवाल एलसीएम से है, ठीक है, 4689 लीव 0 रिमाइंडर, ठीक है, लेकिन अगर 13 से करें तो 7 यहां पर क्या रिमाइंडर बचता है, मुझे बताओ यहां पर क्या होगा। ऐसे सवालों का एक बहुत अच्छा सवाल है, देखो भाई जब भी सवाल आए ना
फोर सिक्स एट नाइन लीस्ट की बात हो रही है तो इनका फटाफट एलसीएम निकाल दो। क्या निकाल दो इनका एलसीएम। अब तुम निकालोगे ऐसे, तुम निकालोगे क्या, तुम निकालोगे गधों की तरह से, ऐसे निकालोगे तुम इसको। दो से गया एक, तीन, दो और यहां पर क्या होगा नौ, फिर गया बच्चे दो से एक, तीन, एक और नौ, फिर कितने से जाएगा बच्चे तीन से, फिर जाएगा तीन से, दो दूनी चार, दूनी आठ, तीय चौबीस, तीय बहत्तर। तुम निकालोगे ऐसे, मैं कैसे करूंगा, चार है, छह है, आठ है, नौ है, चारों में सबसे बड़ा कौन है नौ, नौ के टेबल पे चला, नाइन टू जो एटीन दोनों चले गए लेकिन दो तो नहीं आए, ट्वेंटी सेवन नहीं बात बनी, थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स पे एक दो और तीन, आठ फ्री बच गया, थर्टी सिक्स आगे जाओगे बच्चे तो ऐसे करके कहां मिलेंगे सब, बहत्तर पर मिल जाएंगे, कहां मिल जाएंगे बहत्तर पर। तो मेरा एलसीएम ऐसे में निकालूंगा, बहत्तर आ गया। अब देखो एलसीएम कितना आ गया इनका, सेवेंटी टू आ गया, एलसीएम कितना आ गया बच्चे सेवेंटी टू आ गया। लेकिन यहां पर तुम देखो ऐसी कंडीशन में जब 72 आ रहा है तो मुझे बताना, यहां पर अगर 72 आ रहा है, अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करूंगा बताना कितना आएगा, 13 पांच पैंसठ, तो क्या सात रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो मुझे बताओ क्या सात रिमाइंडर नहीं बच रहा है, बताओ यार क्या बात करते हो बच्चे, कितना आसान सवाल था, दैट इज वेरी इजी यार, दैट इज क्या है, दैट इज वेरी इजी। और ये इनको तुम वैसे भी करके देख सकते हो। अब देखो चार छह आठ नौ, चार छह आठ नौ, तेरह से करना, तेरह से 130 जा रहा है लेकिन सात रिमाइंडर नहीं आ रहा, तेरह पांच पैंसठ, सात बच रहा है, तेरह दुनी छत्तीस, सात कहां बच रहा है, तेरह छिके अठहत्तर, देखो इन दोनों में लोचा है, इन दोनों में क्या लोचा, लेकिन ये देखो 85 है, 85 तुम मुझे बताओ चार से पूरा जा रहा है नहीं जा रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, चार आठ छह नौ से पूरा डिवाइड भी होना चाहिए और अगर तेरह से करूं तो सात रिमाइंडर भी आना चाहिए। ऑप्शन को भी देख लिया करो आंख खोल के यार। बनानाज आर बॉट एट द रेट ऑफ 6 फॉर रुपीज 5 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 5 फॉर रुपीज 6। अभी तुमको सवाल कराया था बताओ, अभी जस्ट तुम लोगों को यह सवाल कराया था, उसके बाद रीजनिंग शुरू होगी भाई, जल्दी जल्दी शुरू कर दो कहानी को। क्या बात है, ए देखो बच्चे यहां सवाल देखो यार, पीपी लिख लो भाई, एसपी लिख लो, आर्टिकल लिख लो, प्राइस लिख लो। आर्टिकल कितने बेचे, छह, कितने खरीदे पांच के, पांच कितने के बेच दिए भाई छह के। पहला काम क्या, आर्टिकल बराबर को कितने से गुना कर दूं पांच से, कितना हो गया भाई गुना पांच से पच्चीस, ठीक है, कितने से गुना करूं भाई छह से, कितना हो गया भाई यहां पर छत्तीस। तो एसपी है पच्चीस, नहीं सीपी है पच्चीस, एसपी कितना हो गया छत्तीस, कितने कमाए ग्यारह, कितने पर कमाए पच्चीस पर कमाए, गुना में कितना सो, कितना हो गया 44%, कितना हो गया भाई यहां पर 44% इज द राइट ऑप्शन, कितना हो गया यहां पर 44% इज द राइट ऑप्शन यार। ये जो तरीके हैं तुमको आगे लेके जाएंगे, ये तरीके क्या तुमको आगे लेके जाएंगे, शाबाश। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25 एंड द विड्थ इज डिक्रीज बाय 20 देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यार कितना आसान सवाल है, जल्दी बना दो भाई फटाफट, शाबाश, कितना इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा फटाफट जल्दी से इसको सोल्व करें, थोड़ा सा क्या है फटाफट क्या है? जल्दी से क्या इसको आप लोग सोल्व कीजिए। बहुत सही, जल्दी जल्दी बना दो भाई सवालों को, मुश्किल नहीं है सवाल। बहुत ही सही, गुड जॉब। अब देखो भाई कहानी क्या है, यहां पर कहानी को समझो जरा, है क्या चीज, बहुत इजी सवाल था। देखो यहां पर 25 क्या है बच्चे, इंक्रीज हो रहा है, माइनस कितना हो रहा है 20, प्लस में क्या करेंगे 25
माइनस का 20 बटे में क्या है 2500, ये 25 हो गया, ये माइनस का 20 हो गया, 0 25 चौके 100, यहां पर कितना आएगा भाई, यहां पर 500, यहां पर 5 आ जाएगा। अगर इस प्रकार से देखूंगा तो आपको क्या लगता है, यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये तो 500 हो जाएगा भाई, और ये 500 कैसा हो जाएगा, ये 500 तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या लिखूं मैं यहां पर, क्या लिखूं मैं यहां पर, क्या रिमेन अनचेंज्ड होगा क्या, यहां पर इसका उत्तर रिमेन अनचेंज्ड होगा क्या, तुम मुझे खुद बताओ क्या इसका उत्तर यहां पर रिमेन अनचेंज होगा क्या, मुझे बताइए क्या रहेगा यहां पर, एरिया इज अनअफेक्टेड, एरिया यहां पर क्या है बच्चे, एरिया इज अनअफेक्टेड, दैट इज रिमेन अनचेंज, क्या होगा बच्चे यहां पर, यहां पर रिमेन अनचेंज हो जाएगा, दैट मीन्स नो। वैसे अपने वाला जुगाड़ क्या है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, तुम लोग जानते हो, एरिया यहां पर क्या होता है रेक्टेंगल का, देखो एरिया लेंथ ब्रेथ एरिया, कभी भी सवाल गलत नहीं होगा, 100 हो गया, 100 हो गया, कितना हो गया ये 10,000, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पढ़ा रखा है, 25 बढ़ गया 125, 20 घट गया 80, 15 8 कितना होता है बच्चे, वही हो गया 0, 8 5 40 4, 12 8 96 और 4, वही 10,000 आ रहा है, वही क्या आ रहा है बच्चे 10,000, तो बच्चे नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट यहां पर क्या है नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, हर किसी सवाल के साथ बेसिक समझो उसका, क्या समझो उसका बेसिक, चलो भाई रीजनिंग का टाइम हो गया, डू इट फास्ट, रिक्वेस्ट को लिखा है ये, एसिड को बताओ क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट को लिखा है ये, आप मुझे बताइए एसिड को क्या लिखेंगे, बहुत सही, रिक्वेस्ट को लिखा है मैंने ये, आप मुझे बताएंगे एसिड को क्या लिखेंगे, बहुत सही है, बहुत सही, बहुत, देखो रिक्वेस्ट आर ई क्यू यू ई एस टी, क्या आएगा एस टू आर फाइव टू टी यू, आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड, देखो आर एस क्या लिखा बच्चे मैंने आर एस, तो मुझे एसिड को क्या लिखेंगे हम लोग, सोचने वाले, इसमें एक अच्छा सवाल है, इसमें यहां पर क्या है बच्चे, इसमें एक कमाल की चीज छिपी हुई, अगर तुम समझोगे तो, इसमें यहां पर क्या है एक कमाल की चीज छिपी हुई, तुम अगर समझोगे तो, इसमें क्या है बच्चा पार्टी, एक कमाल की चीज छिपी हुई, अगर तुम समझोगे, तुम्हारे बस का वैसे बनेगा नहीं, मैं जहां तक जानता हूं तुम गलत करोगे सवाल को, तुम यहां पर क्या सवाल हो, क्या करोगे गलत, तुम करोगे गलत यार, तुम करोगे गलत, कोई सी बनी नहीं रहा भाई, सी कैसे बना दोगे तुम लोग यार, देखो भाई यहां पर क्या है ए ई, दैट इज वोवल्स को हम लिख रहे हैं यहां पर, क्या हम लोग वोवल्स को जरूर देख रहे हैं, हम लोग यहां पर क्या है वोवल्स को जरूर देख रहे हैं, अगर मैं ऐसे लिखूंगा वोवल्स को तो यहां पर वोवल्स कौन से, ए ई आई ओ यू होता है ना, यू को मैं लिख रहा हूं 5, ई को मैं लिख रहा हूं 2, इसको लिखूंगा 1, इसको लिखूंगा 3, इसको लिखूंगा 4, तो मतलब यहां पर भी तो वोवल है, क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा, अब 1 इसमें है और इसमें है, एक क्या एक इसमें है, अच्छा भाई आर को क्या लिखा एस, तो सी को क्या लिख दूंगा मैं डी लिख दूंगा, सी को लिख दिया डी, आई को क्या लिखूंगा मैं आई को लिखूंगा 3, तो आई डी 3 कहीं आ रहा है क्या, दिमाग लगाया करो पागलों की तरह, मत करो सवाल को, थोड़ा सोचो, ऑप्शन को हमेशा साथ रखो, यहां पर क्या है अभी हमेशा क्या है, थोड़ा ऑप्शंस को क्या है हमेशा आप लोग साथ रखिए, ऑप्शंस को क्या है हमेशा क्या आप लोग साथ रखिए, ओ को तो लिखा है मैंने भाई 16, और मैंने एफ ओ आर को लिख दिया मैंने 42, आप मुझे बताना फ्रंट को क्या लिखेंगे, आप मुझे बताना भाई फ्रंट को यहां पर क्या लिखेंगे, शाबाश, फ्रंट को क्या लिखेंगे भाई, फ्रंट को क्या लिखेंगे बताइए, ओ आप लोग जानते हैं इजोटी, ई जी ओ टी वाई, 5, 10, 15, 20 और ये यहां पर क्या है 25 है, ठीक है 5, 10, 15, 20 और 25 है यहां पर, लेकिन हम यहां पर ओ को लिखा मैंने 16, देखो इस हिसाब से F कितना होना चाहिए, F तो होना चाहिए 6, O कितना होना चाहिए 15, R कितना होना चाहिए भाई P Q R S T, दैट मींस 18 होना चाहिए, तो 16 15 और 6 21, 21 और 18 कितना होता है 39, लेकिन नहीं एक एक बढ़ा के लिखा गया, इसको लिखा गया 7, उसको लिखा गया 16, इसको लिखा गया 19, तो 19 और 16 कितने होते 35, 35 और 7 42, अब देखो भाई इसको बढ़ा के लिखो, 7 लिखोगे, 19 लिखोगे, 16 लिखोगे,
NO 15 लिखोगे, TO क्या लिखोगे बच्चे 21, सबको जोड़ दो, 9 और 7 16 और 6 22, 22 और 5 27, 27 और 1 28, 28 सिर्फ 8 इसमें है, 78 इज द राइट ऑप्शन, 78 क्या है बच्चे इज द राइट ऑप्शन, पूरा कभी नहीं सॉल्व करोगे यहां पर, क्या है भाई पूरा यहां पर क्या है तुम लोग कभी नहीं सॉल्व। चलो भाई 250 लाइव, बहुत सही, 250 बच्चे लाइव हैं, एक बार सब लोग क्लास में लगा दो अटेंडेंस, गोली की रफ्तार से चलना चाहिए, वाई वाई वाई, यहां पर क्या है गोली की रफ्तार से क्या है बच्चे चलना चाहिए, क्या वाई, खूब बहुत बढ़िया, खूब यहां पर क्या है बच्चा पार्टी, बहुत ही बढ़िया, एकदम जोश के साथ लिख दो भाई, एकदम क्या है बच्चा पार्टी जोश के साथ लिखो, सब लोग अटेंडेंस लगा दो भाई एक बार, बहुत सही, सब लोग यहां पर क्या एक बार अटेंडेंस लगाएंगे जल्दी जल्दी स्पीड के साथ, ठीक है। मैड को लिखा है जे एक्स ए, रन को क्या लिखेंगे हम, मैड को लिखा है जे एक्स ए, सवालों में क्या क्या करो हमेशा रफ सीट पर इजोटी लिखो, 5, 10, 15, 20 और यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग 25, हम लोग क्या लिखेंगे भाई 25, लेकिन देखो अब ए एम ए डी ओ क्या लिखा है बच्चे जे एक्स ए लिखा है, देखो जे जे कितना होता है 10, M कितना होता है भाई एम एन ओ, दैट मीन कितना होता है 14, मतलब 14 में से क्या कर दिया माइनस 4 कर दिया, A को लिखा बच्चे X, X लिखा ध्यान रखना, मतलब एक ये था ये 24 पे चला गया है, ठीक है वही बात बन गई, फिर से D को लिखा बच्चे 1, 4 को लिखा यहां पर 1, वही फिर से क्या कर रहा है बच्चे वही सीक्वेंस चल रहा है ना, वही क्या चल रहा है यहां पर, वही यहां पर सीक्वेंस यहां पर आप लोगों का चल रहा है, बताने की जरूरत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 3 स्टेप्स बैक लेने हैं आपको, यहां पर क्या है 3 स्टेप यहां पर क्या आपको बैक लेने हैं, उसी प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप 3 स्टेप बैक लेंगे तो आर बच्चे क्या है 18 में से 3 गए 15, ओ आना चाहिए, ठीक है भाई ओ आ गया। अब यहां पर क्या बच्चे यू है, यू कितना है यहां पर टी यू 21 है, 21 में 3 गए 18, 18 क्या बचना चाहिए आर, तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज क्या है राइट ऑप्शन। 11 को लिखा 1210, 11 का कंपैरिजन किससे बच्चे ध्यान रखना, 11 का कंपैरिजन 1210 से है, सेम है मुझे बताओ उसी का सेम रिजल्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसी का सेम रिजल्ट हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं मुझे बताना, 11 को लिखा 1210 तो सेम वे में हम लोग क्या लिख सकते हैं मुझे बताना, क्या लॉजिक मैंने लगाया है यहां पर, मैंने यहां पर क्या लॉजिक लगाया है बताओ भाई, देखते हैं क्या वैल्यू तुम निकालते हो इसके अंदर। लगाओ लगाओ दिमाग, देखो भाई क्या बनेगा सवाल, तुम्हारा कुछ निकल भी रहा आंसर, आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है मगर सोने का नहीं मेरे दोस्त, यह समय कुछ करने का है इसे खोने का नहीं, ध्यान रखना यह समय क्या है, यह समय कुछ करने का है इसे खोने का नहीं। चलो भाई देखो भाई टर्म क्या बोलती है, पहला टर्म बोलता है 11 का स्क्वायर करो, 11 का स्क्वायर इंटू में 11 माइनस 1 8, 8 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 8 में से 1 गया 7, 1210 आ गया था ना ये, 7 चौके 28, 7 छिक 42, 42 और 2 44, बिल्कुल सही है, पहला ही फिट बैठ रहा है, पहला ही क्या बैठ रहा है, पहला ही फिट बैठ रहा है। 11 का स्क्वायर 11 गुना में 1 10, 11 कितना होता है 121, 121 में 10 गुना 1210 स्क्वायर, ये अमर इतना हो जाएगा, इज दैट ओके बॉस, इज दैट ओके। बोटनी प्लांट्स है तो एंटोमोलॉजी क्या होगी, अगर बोटनी प्लांट्स है तो इंटोमोलॉजी यहां पर क्या होगी मुझे बताना, अगर बोटनी अगर प्लांट है तो इंटोमोलॉजी यहां पर क्या होगी, शाबाश बच्चे बोटनी प्लांट्स तो इंटोमोलॉजी यहां पर क्या होगी बच्चे, दैट इज इंसेक्ट, बी इज द राइट ऑप्शन, यहां पर क्या है भाई बी क्या है यहां पर, बी इज द राइट ऑप्शन भाई, बी यहां पर क्या है, बी यहां पर राइट ऑप्शन है, ध्यान रखना बी यहां पर कितना है, बी यहां पर राइट ऑप्शन है, ठीक है भाई समझ गए, बी इज द राइट ऑप्शन, यहां पर क्या है भाई बी इज द राइट ऑप्शन। रवि इज 7 रैंक अहेड ऑफ सुमित इन ए क्लास ऑफ 39, ठीक है, इफ सुमित रैंक इज 17th फ्रॉम द लास्ट, व्हाट इज द रवि रैंक फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द स्टार्ट
39 विद्यार्थी कक्षा में, रवि क्या है, सुमित से 7 रैंक आ गए। यदि सुमित की रैंक पिछली से 17वीं है तो शुरू से रवि की रैंक क्या होगी, शुरू से यहां पर क्या है रवि की रैंक क्या होगी। थोड़ा ही टाइम बचा है, बस एक दो सवाल और फिर तो सारे हलवा हैं, फिर तो यहां पर क्या सारे हलवा सवाल हैं, जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, क्विक एंड फास्ट, क्विक एंड फास्ट। फिर तुम्हारे लिए इंग्लिश वाले सर आएंगे वो तुमको कराएंगे, फिर तुम्हारे लिए यहां पर क्या इंग्लिश वाले सर आएंगे वो तुमको कराएंगे, जल्दी जल्दी देखो। अरे यार क्या सवाल है, कोई जल्दी बनाओ जल्दी, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है भाई। सब लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, सभी लोग यहां पर क्या है टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, और कम्युनिटी टैब के अंदर मैंने आपका डेली क्लासरूम डाल दिया है। YouTube में कम्युनिटी टैब के अंदर क्या है मैंने आपका डेली क्लासरूम डाल दिया। देखो यार क्या सवाल है, 24 क्या उसका उत्तर 17 नहीं होगा यार, कमाल करते तुम लोग, इसका आंसर क्या होगा 17 नहीं होगा। ठीक है क्या इसका आंसर होगा 17 होगा इसका आंसर, मुझे बताना जल्दी बताना। ये सवाल मैं नहीं कराने वाला हूं, बहुत इजी है ये सवाल, क्या है मैं नहीं कराने वाला हूं, दैट इज बहुत इजी, दैट इज क्या है बहुत इजी, दैट इज क्या है बच्चे बहुत इजी, 17 नहीं होगा इसका आंसर। यहां पर क्या है भाई 17 नहीं होगा। देखो भाई रवि इज 7th रैंक अहेड फ्रॉम सुमित, रवि यहां पर क्या है बच्चे 7th रैंक अहेड है, मान लो टोटल 39 बच्चे हैं, टोटल यहां पर क्या 39, कितने बच्चे हैं भाई 39, ये मान लो सुमित है, सुमित का क्या रैंक है 17th है लास्ट, यहां से क्या है लास्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 हो गया। अगर कुछ भी नहीं आता हो तो ये तुम्हें करना है बच्चे, कुछ भी नहीं आता हो ना ये तुम्हें करना है, 39 में से क्या बच्चे 17 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये है पागलों वाला मेथड, ये क्या है बच्चे ये पागलों वाला मेथड है। लेकिन फिर भी अगर कुछ भी नहीं आता हो तो तुम कर सकते हो, इसका आंसर 16 है बाबा, इसका आंसर कितना है 16 है। अब मान लो ये 17th है, इससे 7 आगे है, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या हो गया यहां पर रवि हो गया, क्या हो गया यहां पर रवि हो गया। अब देखो 17वां तो ये थे 17, और यहां पर क्या हो गया 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, रवि का रैंक कितना हो गया 24, कितना रैंक होगा रवि का 24। अब मुझे खुद बताओ टोटल है कितने 39, तो कितना होगा यार 16 नहीं होगा, कमाल करते हो यार, दिमाग लगाया करो फटाफट, इतना समय नहीं होता सवालों को करने के लिए। ये तुम वो कुछ भी ना आता हो ना तभी डंडे लगाने, जब कुछ भी ना आता हो ये करना, डिक्शनरी वाले लगाओ शाबाश, अल्फाबेटिकल अरेंज करो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल कम इन द मिडिल, पांचों में से मिडिल में कौन सा आएगा जल्दी मुझे बताओ, पांचों में से मिडिल में कौन सा आएगा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पांचों में से मिडिल में क्या आएगा। देखो भाई सबसे पहले क्या है सी आर यू। अब इसके बाद देखो, अब यहां पर क्या आई है, एस है, पी है, डी है, और क्या है एम है, तो सबसे पहला वर्ड क्या आ गया 4, डी के बाद क्या आएगा भाई, डी के बाद आई आएगा, डी ई एफ जी एच आई, दैट मीन्स 1, आई के बाद यहां पर क्या आएगा, आई के बाद एम है वहां पर, P है यहां पर, और S, देखो भाई सी आर यू एस, लेकिन यहां पे क्या D वाला था, सी आर यू डी पहला था, सी आर आई आ गया, S आ गया, S आ गया, P आ गया, M आ गया। अब देखो D के बाद क्या आएगा, I, 4 के बाद I आ गया, I के बाद क्या आएगा, I J K L M, दैट मींस क्या है क्रम आ जाएगा यहां पर, दैट मींस क्या आएगा बच्चे पांचवा नंबर आ जाएगा, क्रम आ जाएगा, क्रम के बाद देखो यहां पर क्या होगा, M के बाद तो P आना चाहिए, P कितना हो गया बच्चे 2 हो गया, ठीक है। अब 2 के बाद बचा क्या मेरे पास, 3 बचा, मेरे पास क्या बचा भाई यहां पर 3 बचा, तो राइट ऑप्शन इज व्हाट, तो बीच में कौन सा आया पांचवा नंबर आया, बीच में कौन सा नंबर आया बच्चे क्रम आया यहां पर, क्रम है कहीं पे, डी इज राइट ऑप्शन, ठीक है भाई क्रम इज राइट। चलो भाई अब आ जाओ सीरीज, जल्दी बनाओ भाई 70, 71, 76 क्या होगा इसमें जल्दी मुझे बताओ फटाफट, क्विक स्पीड, 20 सेकेंड टाइम बाबा, 20 सेकेंड टाइम, दो सवाल हैं सीरीज के फटाफट बना देना, दो सवाल हैं सीरीज के फटाफट। देखो भाई 6 जोड़े 5 जोड़े 6, कितने जोड़े भाई 10, गड़बड़ हो गया, अरे क्या हो गया बच्चा गड़बड़, ऐसे नहीं करना सवाल को,
क्या है, ऐसे सवाल को नहीं करना है। 70 के बाद 76, 81, 70, ये क्या रोल हुआ, क्या रोल यहां पर, ये तो 6 जुड़ रहा है, यहां पर क्या जुड़ रहा है भाई, यहां पर 5 जुड़ रहे हैं, यहां पर क्या है, यहां पर तो -11 हो गया, क्या बात बनेगी, भूल जाओ इसको भी, क्या बात बनेगी इसको भी, क्या बच्चे भूल जाइए। देखो फटाफट क्या है, माइंड का कॉन्साइंस पावर दिखाओ जल्दी से, यहां पर क्या है, माइंड का कॉन्साइंस पावर दिखाइए, माइंड का यहां पर क्या है बच्चा पार्टी, कॉन्साइंस पावर दिखाइए जरा, यहां पर क्या वैल्यू आएगी मुझे बताना, मुझे यहां पर क्या है बताना, यहां पर क्या वैल्यू, तुम एक चीज देखो, यहां पर भी 70 है, यहां पर भी 70 है, दो बार 70 रिपीट हो रहा है, दो बार यहां पर क्या है, दो बार यहां पर 70 रिपीट हो रहा है, मतलब अगर एक के बाद अगर यहां पर भी मैं 70 लिख दूं तो दो के बाद भी क्या आ रहा है बच्चे, 70 ही तो आ रहा है, तो राइट ऑप्शन इज व्हाट, 70, राइट ऑप्शन क्या है बच्चे यहां पर, 70 है, ठीक है, पहले 70 आ गया, दो के बाद फिर 70, फिर क्या बचे, दो के बाद फिर 70, यहां पर क्या चल रहा है +5, यहां पर क्या चल रहा है +5, यहां पर क्या चल रहा है बच्चे +5, तो यहां पर कितना चलेगा, यहां पर भी क्या चलेगा +5 यहां पर चलेगा, ठीक है, ऐसे बनाने हैं सवालों को, यहां पर 71 था, यहां पर 81 है, यहां पर क्या 91 है, यहां पर क्या बच्चे 91, तो ये भी क्या मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, 6 13 28 59 का क्या होगा, 6 13 28 59 का क्या होगा जल्दी मुझे बताओ, 6 13 28 59 के आगे यहां पर क्या होगा जल्दी मुझे बताइए, गुना दो जमा में एक, गुना दो जमा में दो, गुना तीन जमा में क्या होगा, बात बनी तो नहीं, 6 से 13 हो गया, 28 हो गया, कितना हो गया 59, गुना दो जमा में एक, गुना दो जमा में दो, गुना दो जमा में तीन, गुना दो जमा में चार, 9 × 2 = 18, 118 और चार कितना होता है 122 इज द राइट ऑप्शन, क्या आएगा 122 इज द राइट ऑप्शन भाई, क्या आएगा बच्चा पार्टी, 122 इसे क्या है बच्चे राइट ऑप्शन, ठीक है जल्दी बनाइए जरा, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज, कौन सा इनमें से रॉन्ग होगा भाई, इनमें से क्या है, कौन सा इनमें से रॉन्ग होगा जल्दी बताओ भाई, शाबाश। देखो 1 3 है, गुना दो जमा में एक, गुना तीन जमा में एक, गुना दो जमा में एक, गुना तीन जमा में एक, ठीक है, गुना दो जमा में एक सही चल रहा है, गुना में तीन, तीन करना, 3 × 27 दो, 12 × 36 और दो 36 हो गया, तो लोचा हो गया यार, 56 वाला लोचा हो गया भाई, 56 वाला क्या है बच्चा पार्टी, लोचा हो गया, छप्पन वाला यहां पर क्या लोचा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, एक क्लॉक स्ट्राइक्स 12 टेकिंग 40, एक क्लॉक स्ट्राइक्स 12 टेकिंग 48 सेकंड, इन ऑर्डर टू स्ट्राइक 3 एट द सेम रेट इट द टाइम टेकन इज 82, द टाइम टेकन कितना बचे, द टाइम टेकन इज 82, समझ रहा सवाल को क्या बोल रहा है, द टाइम टेकन इज 82 को काट दो भाई, ये तो यहां पर इसको काट दो, ए क्लॉक स्ट्राइक 12 टेकिंग 48 सेकंड, ठीक है, इन ऑर्डर टू स्ट्राइक 3 एट द सेम रेट कितना होगा मुझे बताओ, बहुत खूब, बहुत ज्यादा क्या है बच्चा पार्टी, खूब, कोई बना देगा इस सवाल को, जल्दी बनाओ जल्दी। देखो होता क्या, देर आर 11 इंटरवल्स व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 12, देर आर 11 इंटरवल्स, अब मान लो यहां पर 12 तक पहुंचना है, ये 12 है, क्या है बच्चे 12, तो मतलब क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब क्या इसको दोबारा पहुंचने में क्या इसको 11 लगते हैं, 11 लगते हैं, क्या लगता है बच्चे 11, और कितने सेकंड में, 48 में, कितने सेकंड में भाई 48, तो स्पीड कितनी होगी यहां पर एक तरीके से 48, नहीं यार 48 कैसे होगी, 48/11 क्यों होगा भाई, 48/11 किसका निकाला है मैंने, ये
मैंने यहां पर ये एक इंटरवल का निकाला है। मैंने यहां पर क्या निकाला है, ये मैंने यहां पर क्या बच्चे एक इंटरवल का यहां पर निकाला है। मैंने यहां पर क्या बच्चे मतलब 11 इंटरवल में देखा है बच्चे क्या 11 इंटरवल में क्या है वो 48 सेकंड लेता है। 11 इंटरवल में क्या है वो 48 सेकंड, तो एक इंटरवल में कितना लेगा 48 बटे में 11 कितना लेगा यहां पर वो 48 बटे में कितना लेगा 11 लेगा। कितने इंटरवल है यहां पर, तीन स्ट्राइक करना है उसको, कितना स्ट्राइक करना है उसको तीन, तो कितने इंटरवल लगेंगे दो, गुना में दो ठोको इसको 96/11 क्या वैल्यू यहां पर 96/11 की 11 88 96 सी इज राइट ऑप्शन। भाई 11 इंटरवल में 48 सेकंड ले रहा है, एक में कितना लेगा 48/11 तीन तक पहुंचना है तो कितने इंटरवल लगेंगे दो, तो गुना में दो कर दो 96/11 दैट मींस 8 8/11 क्या बचा पार्टी 8 8/11 है। ए इज ईस्ट ऑफ बी क्या बच्चा पार्टी, जल्दी इंग्लिश वाले सर आएंगे भाई तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन कर लो, दो क्वेश्चन बचते हैं बस फटाफट, तीन क्वेश्चन है ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। यहां पर क्या है ये वाला यहां पर थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। ए इज ईस्ट ऑफ बी, मान लो क्या ये बी है, इसके ईस्ट में है ए, पूर्व में है, ए क्या है बी के पूर्व में है एंड वेस्ट ऑफ सी, और ए यहां पर क्या है बी के ईस्ट में है और सी के वेस्ट में है, तो भाई सी के वेस्ट में होगा ठीक है। H is the साउथ वेस्ट ऑफ C, साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम, दक्षिण ये मान लो यहां पर हो गया ये नॉर्थ ये ईस्ट ये वेस्ट और ये साउथ, क्या बोलता है साउथ वेस्ट में, तो यहां पर हो गया बच्चे H, यहां पर क्या होगा H ठीक है। एंड B is साउथ ईस्ट ऑफ X, B यहां पर क्या है X के साउथ ईस्ट में है, तो X का साउथ ईस्ट यहां पर ये मान लो X हो गया, यहां पर क्या मानोगे तुम X हो गया, यहां पर तुम क्या मानोगे x हो गया। सवाल क्या पूछा है, सवाल यहां पर क्या पूछा है, सवाल बोलता है तुम लोगों से भाई सबसे पश्चिम में कौन है, सबसे दूर पश्चिम में कौन है तुम मुझे बताना, सबसे दूर यहां पर पश्चिम में कौन, देखो डायग्राम कैसे बन गया कुछ इस प्रकार से डायग्राम है, मैं तुमको दिखा भी देता हूं, बहुत सिंपल सा डायग्राम है, जैसा बोले वैसा करो, बी ए सी एच और यहां पर क्या है भाई x, सबसे वेस्ट में कौन है x, कौन है सबसे वेस्ट में यहां पर x है। चलो भाई नेक्स्ट, चलो चलो शाबाश। आफ्टर इंटरचेंजिंग द साइन नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग फोर इक्वेशन बी करेक्टेड, बताना भाई चारों में से कौन सी सही है, 4 8 12 बन रही है कुछ बात, नो बात बन रही है नहीं बन रही है, बात कुछ बन रही है यहां पर नहीं बन रही है भाई, कौन सी इक्वेशन सही है 4/8 ठीक है भाई बताओ जरा कौन सी इक्वेशन बन रही है यहां पर, जल्दी मुझे बता दो कौन सा इक्वेशन यहां पर बन रहा है, क्या कोई इक्वेशन बन रहा है 4/8 - 12=16 इंटरचेंज करना है भाई 4 - 8 + 12 देखो अब यहां पर देखो यार ये अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो ये प्लस कर दूं ये माइनस क्या हो जाएगा जीरो नहीं बन जाएगा, दिस इज द राइट, यहां पर क्या है भाई दिस इज द राइट ऑप्शन बॉस, दिस इज द राइट। क्लॉक का क्लास ले देंगे एक दिन क्या क्लॉक का क्लास ले देंगे, अंतिम सवाल उसके बाद इंग्लिश वाले सर तुम्हारे साथ आएंगे एक बार पूरे जोश के साथ, अटेंडेंस लगाओ यार शाबाश, एक बार क्या है पूरे जोश के साथ अटेंडेंस लगा दीजिए फटाफट, बहुत सही पूरे जोश के साथ क्या है एक बार अटेंडेंस लगा दो भाई शाबाश। बहुत सही एक बार सब लोग अटेंडेंस लगा दो पूरे जोश के साथ, दिखना चाहिए मुझे, मुझे यहां पर क्या बच्चे दिखना चाहिए, भारत माता की जय बोलो और अटेंडेंस लगा दो, क्या बच्चे भारत माता की जय बोलो एक अटेंडेंस लगा, देखो जाए जरा इस वर्ड को समझना, तुम जरा इस वर्ड को क्या समझना, मैं शुरू करता हूं, मैं यहां पर क्या बच्चे शुरू करता हूं, पी एच ई आर एम ओ एम ई टी आर, ये वर्ड क्या बन रहा है ये वर्ड थर्मोमीटर बन रहा है, ये वर्ड क्या बन रहा है भाई ये वर्ड थर्मोमीटर बन रहा है, तो यहां पर क्या होगा एम साइलेंट और वहां पर क्या है थर्मो एम ई साइलेंट, ध्यान रखना ये यहां पर क्या है बिल्कुल सही है, तो एम और ई इज अ राइट ऑप्शन, डी इज राइट ऑप्शन, यहां पर क्या भाई डी इज अ राइट ऑप्शन। चलो भाई इंग्लिश वाले सर तुम्हारी क्लास लेंगे अब, मुझे लगता होगा आपको काफी इंटरेस्ट आया होगा, सवाल कर लिए, ऐसे ही मुलाकात करूंगा 11:30 बजे,
सब लोगों से मुलाकात कहाँ होगी बच्चे? सब लोगों से मुलाकात होगी 11:30 बजे, ठीक है। ये वर्ड मैंने गलती से करा दिया सर, ठीक है। तो भाई सब लोग मुलाकात करेंगे 11:30 पर। टेलीग्राम चैनल को जरूर सपोर्ट करना है। किसी को लिंक दिया है मैंने कमेंट बॉक्स में, ऊपर तुमको पिन दिखा रहा है, अगर वो ना काम करे तो ये टाइप कर देना टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएंगे हम, और प्रत्येक वीडियो के अंदर मिलेगा। अभी इंग्लिश के बाद मुलाकात 11:30 बजे होगी भाई। लिंक आएगा टेलीग्राम चैनल में, उसी को फॉलो कर लेना। नाउ ओवर टू सर, सर बातचीत करेंगे। कल अच्छा खासा आपको मोटिवेट भी किया था, और ये सर की भी डिमांड है कि आखिरी के 20 दिन आप छोड़ दो हमें, और बाकी अगर आप सर से कोई मैराथन क्लास चाहते हैं तो सर आपको दे भी देंगे, ठीक है, बात कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। कल क्लास क्यों नहीं हुए? कल क्लास इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि क्लास बहुत हो चुकी है इंग्लिश की, पूरा आपका ग्रामर का सिलेबस हो चुका है, बहुत सारी वोकैब हो चुकी है, तो आपको रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए, आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। पीछे जो बहुत सारी चीजें हो चुकी वो करना भी, आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा, आपको चीज मेमोराइज भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ते रहे, आपको चीज याद भी होनी चाहिए। इसलिए संडे को जब टाइम आपको मिलता है तो संडे को टाइम अगर आपको मिलता है तो उसमें आपको पिछली क्लास को रिवाइज करना है, चाहे मिशन यूनिफॉर्म बैच की क्लास हो, चाहे प्रतिज्ञा बैच की क्लास हो, आप देखोगे पूरी ग्रामर हो चुकी है, तो उसका रिवीजन स्टार्ट आप कर सकते हो, या वोकैब जो हो चुके हैं मिशन यूनिफॉर्म बैच में, प्रतिज्ञा बैच में, उसका रिवीजन आप कर सकते हो। जो नए लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने लेट क्लास स्टार्ट किया, जिनकी क्लास मिस हो चुकी है पहले वाली, वो पिछली क्लास ले सकते हैं। तो इंग्लिश की बहुत ज्यादा क्लास हो चुकी है ग्रामर और वोकैब की, उनको रिवाइज आप कर सकते हो। इंग्लिश के 20 मॉक टेस्ट इनसे अलग हो चुके हैं। ये जो महा मॉक टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है 18 मार्च से, इससे पहले इंग्लिश के 20 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, जिनके वो मिस हो गए हो वो वहां से देख सकते हैं। तो संडे को आपको टाइम मिलता है तो आपके पास बहुत सारा काम है, नॉर्मल डे से ज्यादा काम आपको संडे को होगा, ठीक है। चलो यहां पे चलो भारत माता की जय। क्लास को हम स्टार्ट करें, क्लास को एक बार शेयर कर दो। 212 बच्चे अभी लाइव हैं, क्लास को सभी शेयर करेंगे, 250 तो कम से कम होने चाहिए, 250 तो कम से कम होने चाहिए। सभी लोग एक बार फिर से शेयर करेंगे, जिन लोगों ने शेयर नहीं किया वो शेयर जरूर करेंगे, फेसबुक स्टोरी पे लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे सभी ग्रुप में, या पर्सनली भी आप शेयर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर करो, आप पर्सनली भी अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के पास शेयर कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, प्रणाम। क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो अभी आपका जो क्लास है, जो इस क्लास है इंग्लिश वाला, जो अभी जो क्लास होगी जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे, इसमें जो मैंने एनालाइज किया, कुछ क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं, कुछ क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस थे, लिटरेचर से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे थे, इसलिए मैंने इनको चेंज किया है। तो आपको अलग से एक PDF, अलग से उन क्वेश्चन को चेंज करके मैंने करवाया है, तो उनको हमें देखना होगा। तो एक सेकेंड के लिए आप थोड़ा रुकेंगे, ठीक है, ताकि मैं आपको जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें वही हम करवा पाए। क्लास को लगातार शेयर करते रहना, ठीक है। मैं आपके लिए PDF डाउनलोड करता हूं, तब तक क्लास को शेयर करो, क्योंकि इस टेस्ट में जो मैंने देखा कुछ क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं थे, लिटरेचर से कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, कभी नहीं आते, वो एयरफोर्स नेवी NDA किसी भी एग्जाम में नहीं आते, तो उनको हमें छोड़ना होगा। उनकी जगह मैंने आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन थे वो मैंने ऐड कर दिए, तो उनको हम देखेंगे। तो आई होप कल आपने काफी रिवाइज किया होगा, आराम नहीं किया होगा, वैसे क्लास भी थी आपकी पूरा दिन, क्लास भी आपकी चल रही थी पूरा दिन, और आपने रिवाइज भी किया होगा, रिवीजन भी किया होगा, ठीक है। चलो देखो,
पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, पहला वर्ड आपके पास क्या है, आपको इसका क्या बताना है, इस वर्ड का आपको मीनिंग बताना है, मतलब सिनोनिम बताना है बिजारे वर्ड का। किस वर्ड का? बिजारे वर्ड का सिनोनिम अभी आपको बताना है। बिजारे वर्ड का क्या बताना है? सिनोनिम। तो जल्दी से बताइए, नॉर्मल, एसेंट्रिक, यंग और फेयर, क्या होगा इसका? अभी भी आप कर सकते हो जेएच गेमिंग, अभी भी आप कर सकते हो, ठीक है, अभी भी आप कर सकते हो। तो जल्दी बताओ क्या होगा इसका? बिजारे का क्या सही होगा? एसेंट्रिक होगा, नॉर्मल होगा, या फेयर होगा, यंग होगा? अभी भी कर सकते हो जेएच गेमिंग, अभी भी कर सकते हो, जल्दी बताओ। एसेंट्रिक। एसेंट्रिक बताया, मीनिंग क्या होगा इसका? मीनिंग होगा इसका अजीब। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे पहले सिंगल सी लिखा हुआ था, सिंगल सी यूज नहीं होगा यहां पे, डबल सी यूज होगा, ये भी ध्यान रखना, डबल सी यूज होगा इसमें, ठीक है। पहले सिंगल सी लिखा हुआ था वो वहां पे गलत टाइप हो रखा था, डबल सी होगा, ये भी ध्यान रखना। बी आंसर होगा इसका ई डबल सी ई एन टी आर आई सी। एसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? वियर्ड। मीनिंग क्या है इसका? वियर्ड हमने पढ़ा था, हमने ओड पढ़ा था, अगर तुम्हें ध्यान हो हमने ओड पढ़ा था, ठीक है। ओड हमने क्या पढ़ा था? क्यूर फिश। अगर तुम्हें इडियम फ्रेज ध्यान हो तो हमने क्यूर फिश भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? क्यूर फिश। क्यूर फिश का मतलब क्या? अजीब आदमी, स्ट्रेंज आदमी, जो आदमी बहुत ही अजीब है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ रखा था? अब नॉर्मल। और इसके सिनोनिम क्या होंगे? अब नॉर्मल, ठीक है। मतलब क्या है सभी का? स्ट्रेंज। सभी का मीनिंग क्या है? स्ट्रेंज। तो आपको क्या करना है, पीछे जो भी वर्ड आपने पढ़ लिए उनको भी साथ साथ लिखना है, रिवाइज करना है। जो इडियम आपने पढ़ लिया जिसका मतलब क्या होगा? स्ट्रेंज या अब नॉर्मल या जो अजीब है, तो वो साथ साथ आपको लिखना होगा। ऐसे आपको वर्ड, ऐसे आपको इडियम फ्रेज साथ साथ याद होते रहेंगे। और एसेंट्रिक वर्ड है आपका, स्पेलिंग एरर में भी हम कर चुके हैं, एसेंट्रिक वर्ड स्पेलिंग एरर के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ठीक है सिद्धांत गुप्ता, अभी देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप देख सकते हो, ठीक है। तो सभी को ध्यान रखना, वियर्ड, ओड, क्यूर फिश, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका इडियम है, अजीब आदमी, अब नॉर्मल जो नॉर्मल नहीं है, और स्ट्रेंज, वियर्ड, ओड, एसेंट्रिक, और ये वर्ड स्पेलिंग एरर के लिए इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, बिजारे का ये होंगे सारे। आगे देखो, नेक्स्ट, द वर्ड अपोजिट मीनिंग। ये जो वर्ड आपके पास है थ्वार्ट, इसका आपको बताना है अपोजिट मीनिंग। क्या बताना है इसका? अपोजिट मीनिंग आपको बताना है, एंटोनिम बताना है। क्या बताना है? एंटोनिम बताओ, यहां पे क्या होगा एंटोनिम? क्या होगा यहां पे थ्वार्ट का? टी एच डब्ल्यू ए आर टी, एनकरेज, ऑब्स्ट्रक्ट, स्ट्राइफ और बैफल। बैफल हमने पढ़ा था, अगर तुम्हें ध्यान हो बैफल हमने पढ़ा था। बैफल बहुत ही कंफ्यूज है, बैफल क्या है? बहुत ही कंफ्यूज है। तो बैफल हमने क्या पढ़ा? कंफ्यूज। बैफल का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज, ठीक है, कंफ्यूज। हमने एक इडियम पढ़ा था एट सी, एट सी हमने क्या पढ़ा था? इडियम फ्रेज में कंफ्यूज होना। हमने पढ़ा था एक इडियम इन ए डायलेमा, क्या पढ़ा था? इन ए डायलेमा, ठीक है, डी आई एल ई डब्ल एम ए, इन ए डायलेमा, डी आई एल ई डब्ल एम ए, ठीक है, डायलेमा आपको दिख नहीं रहा होगा, तो डी आई एल ई डब्ल एम ए, डायलेमा, एट सी कंफ्यूज होना, परप्लेक्स भी इसको हम बोल सकते हैं, परप्लेक्स। तो जो आपने पढ़ लिया पीछे उसको ऐसे आप लिखते रहा करो, रिवाइज करते रहा करो, ऐसे आप वर्ड को लॉन्ग टाइम तक याद रख पाओगे। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? रोकना। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब किस चीज को? रुकावट डालना, रोकना किस चीज को, ठीक है, ये किस चीज को? स्टॉप करना, रोक देना। हमने पढ़ा था बाल्क, क्या पढ़ा था? बाल्क, बच्चे जो है ना, बालक जो है, बच्चे जो है वो किस चीज को रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। चलो यहां पे आंसर क्या होगा? एंटोनिम बताना है थॉट का। एंटोनिम क्या होगा इसका? एनकरेज। एंटोनिम क्या होगा इसका? एनकरेज, किसी को मोटिवेट करना, किसी को एनकरेज करना। थॉट का मतलब क्या है? डिस्करेज करना, किसी को डिस्करेज करना, किसी को डीमोटिवेट करना, किसी को हतोत्साहित करना, ठीक है। तो क्या होता है वो थॉट, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनकरेज हो जाएगा, किसी को मोटिवेट करना। तो आपको करना क्या है, बाकी जो वर्ड है उनके भी सिनोनिम या कोई इडियम फ्रेज जिसका मतलब सेम हो उसको साथ साथ लिख लेना है, ऐसे वर्ड आपको लॉन्ग टाइम तक ध्यान रहेंगे, ठीक है। याद कैसे किया हमने? बेफेलो है ना, बहुत ही कंफ्यूज है, बेफेलो क्या है? बहुत ही कंफ्यूज। इसको लिंक कर लो, इसको जोड़ लो बेफेलो के साथ, कुछ भी लिंक बना के आप इनको याद कर लो, ठीक है। आगे देखो,
द वर्ड जेनिथ, जेनिथ का मतलब आपको बताना है, जेनिथ वर्ड का सिनोनिम आपको बताना होगा। ये हम पढ़ चुके हैं, हम जैन गाड़ी को कहां लेके गए थे आपको ध्यान होगा, मैंने लिंकिंग मेथड से करवाए थे, लिंकिंग मेथड से करवाए थे, जैन गाड़ी को हम कहां लेके गए थे, इमदाद खान जब भी मॉक टेस्ट आप देते हो डिस्ट्रेस होने को जरूरत नहीं है आपको, डिस्ट्रेस आप क्यों हो रहे हो, या तो आपने पिछली क्लास अच्छे से नहीं ली नहीं है, आपने वो कैब की क्लास पीछे या ग्रामर क्लास आपने प्रतिज्ञा बैच और मिशन यूनिफॉर्म क्लास आपने नहीं ली शायद, इसलिए आपको डिस्ट्रेस हो रहा है, आपने 20 जो मैंने मॉक टेस्ट क्लास से आप ले नहीं ली शायद इसलिए आपको डिस्ट्रेस हो रहा है, आपको डिस्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, अगर आप सारी क्लास ले लोगे पीछे वाली तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये श्योरिटी गारंटी है। ठीक है, क्लास को शेयर जरूर करते रहेंगे, क्लास को पर शेयर करते रहेंगे, 250 प्लस लाइव होने चाहिए, मैं समझता हूं आप लोग सुबह से लगते हो पढ़ाई करने, ठीक है, सुबह 7:30 बजे लग जाते हो, फिर अभी टाइम हो चुका है 10:30, 3 घंटे हो चुके, तो समझता हूं थोड़ा बहुत बोरिंग लगेगा आपको, बहुत टाइम होगा 3 घंटे लगातार हो चुके तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी अपनी एनर्जी को बनाए रखना है, अपने मोटिवेशन को बनाए रखना है, क्योंकि अभी आपका इंग्लिश का सेक्शन अभी बचा हुआ है। तो बताओ जरा क्या हुआ, जेनिथ को हम कहां लेके गए थे, पीक पे लेके गए थे, जेनिथ गाड़ी को हम कहां लेके गए थे, पीक पे लेके गए थे, और भी साथ साथ जो हमने सिनोनिम पढ़े वो लिख लिया, अगर हमने एक्मे पढ़ा, अगर तुम्हें ध्यान होगा हमने पिनेकल पढ़ा, क्या पढ़ा, पिनेकल पढ़ा, पैरामाउंट हमने पढ़ा, ठीक है, एक्मे हमने पढ़ा, तुम्हें ध्यान होगा सभी का मतलब क्या होता है, हाइएस्ट पॉइंट, सभी का मतलब क्या है, हाइएस्ट पॉइंट, किस चीज की चोटी। अभी नोट्स बनाने का टाइम है क्या, जीएच गेमिंग मेन मेन पॉइंट्स के नोट आप बना सकते हो, मेन मेन पॉइंट्स के आप नोट्स बना सकते हो। सचिन कुमार आई एम न्यू बट आई एम फीलिंग बेटर, थैंक यू सर, सचिन कुमार आपका वेलकम है, आप और अच्छा फील करोगे अभी तो, ठीक है। नादिर हमने पढ़ा, नादिर का क्या था, प्लिंथ, ठीक है, प्लिंथ का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट। अगर इसका एंटोनिम पूछ लेता जेनिथ का, अगर एंटोनिम ऑपोजिट मीनिंग पूछ लेता तो क्या होता वहां पे, नादिर होता, प्लिंथ होता, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको ये भी देखना है, आई एम फाइन रोहन हाउ आर यू, ये आपको ये भी देखना है साथ साथ कि एंटोनिम कौन सा है, बाकी वर्ड के मीनिंग भी आपको चेक करने हैं, और जो आपने पढ़ लिए पीछे वो कैब जो आपने कर ली, जो हमने 67 या 68 क्लास हम वो कैब कर चुके हैं, टोटल 68 क्लासेस वो कैब की हो चुकी है, 34 क्लास हमने मिशन यूनिफॉर्म बैच में की थी और 34 क्लास प्रतिज्ञा बैच में वो कैप की हो चुकी हैं, तो 68 क्लास कम नहीं होती, बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके अंदर हमने सिनोनिम पढ़ चुके हैं, एंटोनिम पढ़ चुके हैं, इडियम एंड फ्रेज पढ़ चुके हैं, वन वर्ड सिचुएशंस हम पढ़ चुके हैं, और स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, तो सारा पोर्शन हम कर चुके हैं वो कैब के अंदर, और उनकी प्रैक्टिस भी हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के रूप में भी मैं करवा रहा हूं आपको, प्रैक्टिस भी आपकी मैं करवा रहा हूं, तो क्लास को लगातार शेयर करते रहना है, क्लास नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। इमदाद खान टाइम तो निकालना पड़ेगा, देखो अगर आप लेट जुड़े हो तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आप लेट जुड़े हो तो उसका आपको उसको कवर करना पड़ेगा, आपको रात को पढ़ना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पड़ेगा, बाकी सारी एक्टिविटी को साइड में करना पड़ेगा, सिर्फ आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अब इतना ही टाइम आपके पास बचा हुआ है, इतना ही टाइम आपके पास बचा हुआ है, 68 से बाहर कुछ नहीं आएगा, 68 तो अभी है, अभी तो और हम करेंगे एग्जाम तक, आप देखोगे 20-25 क्लास तो कम से कम और हो चुकी होंगी, तो 20-25 क्लास कम से कम 25 तो मिनिमम मान लो 20-25 क्लास और हो चुकी होंगी, तो एग्जाम तक हम 90 के आसपास क्लास कर चुके होंगे, 90 से 95 क्लास वो कैब की हो चुकी होंगी, उनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ना एयरफोर्स में, ना नेवी में, ना एनडीए में, कोई भी एग्जाम आप दोगे उन 90 क्लास से बाहर कुछ नहीं आएगा, और 90 क्लास बहुत ज्यादा हो जाती है, आप उनको कम मत मानो, ठीक है, बस आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, ठीक है, आपका काम यह है कि जो आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज करना, उसको अपने माइंड में रखना, यह नहीं कि हम 90 क्लास हमने पढ़ तो ली, 90 क्लास का मतलब यह हो चुका है कि आपने 3000-4000 वर्ड आपने पढ़ लिए, अब 3000-4000 जो वर्ड हैं उनको याद करना सबसे बड़ी समस्या है, उनको याद कैसे कर पाओगे, मैं साथ साथ बताता हूं आपको, रूट वर्ड मेथड से या लिंकिंग मेथड से उनको आप याद रख पाओगे, तो वो मेथड अप्लाई करना, उनको प्रॉपर रिवाइज करना और उनके नोट्स बना पाना, ये सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। रूटवर्ड की पीडीएफ अजय, रूटवर्ड की पीडीएफ कोई नहीं है, रूटवर्ड की कोई पीडीएफ नहीं है, मैं एक दिन रिवाइज करवा दूंगा, रिवाइज मैं करवा दूंगा, रूटवर्ड टेंशन ना लो, एक दिन मैराथन क्लास लेके जो मेन मेन रूटवर्ड्स हैं, जो मेन मेन वर्ड्स हैं उनकी मैं क्लास ले लूंगा, डोंट वरी, तो मैराथन क्लास हम वोकैब की भी लेंगे, और 12:30 जब वोकैब क्लास होगी उसमें काफी इंटरेस्टिंग इडियम फ्रेज होंगे आपके, सिनोनिम एंटोनिम होंगे, स्पेलिंग एरर होगा, तो उसमें आना है आपको 3:30 बजे। टेंस जो हमारा बचा हुआ था, टेंस का हम रिविजन कर रहे थे, तो 6 टेंस हो चुके थे आपके, जो बचे हुए 6 टेंस है आज 3:30 बजे हो जाएंगे, तो 3:30 में भी आपको मिलना है, 3:30 बजे मिलना है, 12:30 भी आपको मिलना होगा, ठीक है। चलो क्लास को शेयर करते रहना,
एयरफोर्स मतलब डिफेंस रूल, बिल्कुल सही बात है। बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, ऐसा स्थान जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है। अब कितनी बार हम इसको पढ़ चुके हैं, देख रहे हैं आप बार बार एग्जाम में ये चीज आ रही है। तो जो आपको करवा दिया उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जहां पे डेड बॉडीज की बात हो रही है, क्या बोल रही है, किसकी बात हो रही है, डेड बॉडीज की बात हो रही है। तो आप यहाँ पे देखोगे मोर्ट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, मोर्ट। हमने पढ़ा था रूटवर्ड, हमने पढ़ा मोर्ट, किसी वर्ड में एम ओ आर टी आ जाए, मोर्ट का मतलब क्या होता है, डेथ। मोर्ट का मतलब क्या होगा, डेथ होता है। मोर्ट का मतलब क्या होगा, डेथ। जैसे हमने पढ़ा मोर्टल, इमोर्टल, मोर्टिशियन, मोर्चुरी, ये वर्ड हमने पढ़े, और भी वर्ड हमने पढ़े थे। तो डेड बॉडीज या डेथ की बात हो रही है, तो एक ही तो वर्ड है, एक ही तो ऑप्शन है डी, जिसमें आप पढ़ सकते हो मोर्चुरी। एक ऐसा प्लेस, ऐसी बिल्डिंग, ऐसा रूम जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, 100 बार पढ़ा था, एग्जाम में भी आएगा। तो यहाँ पे एवरी लिखा हुआ है, एवरी हमने क्या पढ़ा, एवी का मतलब क्या होता है, पक्षी। एक ऐसा स्थान जहां पे पक्षियों को रखा जाता है। तो ए आर आई का मतलब क्या होता है, ए प्लेस या बिल्डिंग। ए आर वाई मतलब ए प्लेस या बिल्डिंग, देखो यहाँ भी ए आर वाई है, ए आर वाई का मतलब ए प्लेस या बिल्डिंग। तो सभी चीजें तो रूट वर्ड से हो पा रही है, आप आराम से कर पा रहे होगे। ठीक है, इमदाद खान, आपको आपको पढ़ाई पे टाइम लगाना पड़ेगा, बचे हुए दिन को आपको पढ़ाई पे टाइम लगाना पड़ेगा, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे टाइम लगा पाओगे। चलो आगे, एन एसोसिएट इन ए ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, ये भी आपके पास क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये भी क्या है, एन एसोसिएट इन ए ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, किसी ऑफिस में आप काम करते हो या किसी इंस्टीट्यूशन में आप काम करते हो, वहां पे आपका जो एसोसिएट है, वहां पे आपका जो साथी है, क्या बोलेंगे उसको, प्रोनाउन में दिक्कत है क्या, मौज करें, दोबारा देखो प्रोनाउन को। प्रिंस रणसिंह राजपूत, मैंने बताया था, अगर आप लगातार देख पा रहे हो, अगर लगातार क्लास ले रहे हो, अगर आपकी आंखों में पेन हो रहा है, आईज में पेन हो रहा है, तो आपको मार्केट में जाके जहां पे स्पेक्टिकल्स बनते हैं शॉप पे आपको जाना, ऑप्टिकल्स वाली शॉप, ऑप्टिकल वाली शॉप पे जाना, दुकान पे आपको जाना होगा, उससे ये बोल दो कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम मोबाइल फोन में पढ़ना होता है या टीवी देखना होता है, लैपटॉप देखना होता है, तो वो आपके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग वो स्पेक्टिकल्स आपको दे देगा, जिसकी हेल्प से आप चाहे कितने मोबाइल में देखते रहना, कितना लैपटॉप में देखते रहना, आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, करवा देंगे, इनके ऑफिशियल फिक्स प्रोविजन भी करवा देंगे, फिक्स प्रोविजन करवा देंगे, डोंट वरी। अभी बताओ, एन एसोसिएट इन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, कंपेनियन होगा, एलाय होगा, कलीग होगा, अकम्प्लिस होगा। ठीक है, विश्व 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 विजय सिंह चौहान, अच्छा नाम बहुत अच्छा है तुम्हारा। चलो, यूनिफॉर्म तो मिल जाएगी, लेकिन आपको अफर्ट करने पड़ेंगे, आपको अफर्ट करने पड़ेंगे। सागर देसी, टॉपिक बाय टॉपिक प्रैक्टिस हो रही है, 3:30 बजे आपको मिलना होगा। सागर देसी, 3:30 बजे टॉपिक प्रैक्टिस हो रही है आपकी। ठीक है, रिविजन हो रहा है आपका, रिविजन करवा देंगे, इंपॉर्टेंट वगैरह भी कराएंगे, चंद्र कुमार, डोंट वरी। जल्दी बताओ यहाँ पे क्या होगा, आंसर बताओ इसका। कलीग यहाँ पे लिखा हुआ है, अकम्प्लिस लिखा हुआ है, अलाय लिखा हुआ है, और कंपेनियन लिखा हुआ है। जल्दी बताओ, शुभम तोमर ने ए बताया है, मदन ने यहाँ पे सी बताया है, देखते हैं क्या होगा। अकम्प्लिस लिखा हुआ है, कलीग लिखा हुआ है, अलाय लिखा हुआ है, और कंपेनियन लिखा हुआ है। एक बात और ध्यान रखना, कंपेनियन वर्ड, कलीग वर्ड, अकम्प्लिस वर्ड, ये स्पेलिंग एरर में भी आते हैं, ये आपके स्पेलिंग एरर में भी आते हैं, इनका ध्यान रखना, तो स्पेलिंग एरर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब आप हमारे नवीन सर जैसे दिखते हो। नवीन सर कौन है, आई डोंट नो कौन नवीन सर है। चलो बताओ जरा, कंपेनियन, अलाय, कलीग और अकम्प्लिस। आ जाएंगे टैलेंटहुड स्टाइल, 18 नंबर भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 18 नंबर लेना आज के दिन, बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं, तो आप लोग भी ले सकते हो। हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स जो थे हमारे, उन्होंने लिए हैं, 18 नंबर भी लिए, 20 के 20 नंबर भी उन लोगों ने लिए हैं, तो आप लोग भी ले सकते हो, आप लोग भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, कलीग होगा। क्या होगा यहाँ पे, कलीग। कलीग क्या होता है, जो आपके साथ काम करता है, जो आपके साथ काम करता है। तो जैसे आप लोग एयरफोर्स, नेवी, एनडी में लग जाओगे, तो आपके साथ जो वहां पे बंदे होंगे, जो आपके साथ काम करेंगे, क्या बोलेंगे उनको, कलीग बोलेंगे। और कलीग वर्ड की स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग भी ध्यान रखना, यही वर्ड आपका स्पेलिंग एरर में भी आता है। ठीक है, ठीक है, चलो।
एसीसी 125 अमन चौधरी, उसके लिए वीडियो डाली गई है। 15 अप्रैल से बैच स्टार्ट होगा, तब तक आप स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हो, उसमें से पढ़ सकते हो। अगर आपने नहीं मंगवाया है तो स्टडी मटेरियल को देख सकते हो, ठीक है। तो उसकी वीडियो डाल दी गई है। आगे, विच ऑफ फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे है, कौन से वर्ड की स्पेलिंग यहाँ पे क्या है गलत है, मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा है। पायोनियर होगा, ल्यूमिनस, ट्रीटमेंट और इमरजेंसी, बताओ जरा जल्दी जल्दी कमेंट करो। एक मंथ में 20 तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक मंथ में आप 15-16 नंबर भी आराम से ले सकते हो, एक मंथ में आप 15-16-17 नंबर ले सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, टाइम बहुत कम है, टाइम हमारे पास बहुत कम है। आपको फालतू चीजों को छोड़ के, एक्स्ट्रा चीजों को छोड़ के, जो जहां से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, केवल और केवल टाइम लगाना है आपको पढ़ाई के ऊपर। तो जल्दी से बताओ यहाँ पे कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे है। ट्रीटमेंट, पायोनियर यहाँ पे लिखा हुआ है, पायोनियर, ल्यूमिनस, इमरजेंसी और ट्रीटमेंट। इमरजेंसी बिल्कुल सही है, ल्यूमिनस बिल्कुल सही है, पायोनियर बिल्कुल सही है, ये वर्ड यहाँ पे गलत है। ट्रीटमेंट वर्ड यहाँ पे क्या है, गलत। और मैंने बार बार बताया स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चंस दो जगह से आएंगे, या तो वाउल में गलती होगी या किसी एग्जामिनर किसी डबल लेटर को सिंगल को डबल कर देगा। तो आप देख रहे हो उससे बाहर कुछ नहीं है, दो ही जगह पे फोकस आपको रखना होगा स्पेलिंग एरर में। ट्रीटमेंट में यहाँ पे एक ही जगह ई हो जाए, क्या हो जाएगा यहाँ पे ई हो जाएगा। ल्यूमिनस हमने पढ़ा था क्या होता है, शाइनिंग, चमकीला। ल्यूमिनस नाम से इन्वर्टर बैटरी भी आती है आपकी, जिससे प्रकाश हो जाता है, वही वाली बात है, ठीक है। जीएच गेमिंग, जो लाइव क्लास चल रही है वो लाइव देखो, और टाइम निकाल के आपको पिछली क्लास देखनी है, टाइम निकाल के पिछली क्लास देखनी है। पायनियर भी अच्छा वर्ड है, पायनियर का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहले कोई स्टेप लेता है, जो अग्रणी होता है किसी फील्ड में, जो किसी फील्ड में बेस्ट होता है, जो सबसे आगे रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको पायनियर बोलते हैं। तो पायनियर भी ध्यान रखना, पायनियर वर्ड भी आपका स्पेलिंग एरर के लिए, और पायनियर वर्ड सिनोनिम एंटोनिम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ल्यूमिनस वर्ड भी इंपॉर्टेंट है सिनोनिम एंटोनिम के लिए। तो ये यहाँ पे जरूरी नहीं, ये अच्छी बात है आपके अकाउंट टीचर, अच्छी बात है, ये यहाँ जरूरी नहीं। एक बात ध्यान से सुन लो कि जरूरी नहीं कि ये वर्ड आपके स्पेलिंग एरर में भी आएंगे, यही वर्ड आपको मिलेंगे सिनोनिम एंटोनिम में, यही वर्ड आपको वन वर्ड में मिल जाएंगे, यही वर्ड कहीं इडियम फ्रेज का कोई मीनिंग में मिल जाएंगे, यही वर्ड आपको पैसेज में मिल जाएंगे, हर जगह ये वर्ड आपको घूमते फिरते मिलेंगे। तो वही जो 3000 के आसपास जो वर्ड्स है, जो 3000 के आसपास जो वोकैबुलरी है, जो मैं आपको एग्जाम तक करवा दूंगा, और बहुत सारी क्लास हो चुकी है, एग्जाम तक चलती रहेगी, उनसे बाहर कुछ नहीं आता। वो चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे एनडीए हो, इंडियन कोस्ट गार्ड हो, सीडीएस, एफकैट, कोई भी एग्जाम हो, उनसे बाहर कुछ नहीं आता। तो आपको उन वर्ड्स को देखना होगा, आपको उनसे वो देखना होगा, ठीक है। व्हाट डज द फ्रेज, इसका मतलब आपको बताना है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका बताना है आपको, ये कई बार आ चुका है, इसको हम पढ़ चुके हैं, जल्दी बताओ। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइन्स के बीच में पढ़ना क्या होगा, टू सस्पेक्ट होगा, टू रीड केयरफुली, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, टू डू यूजलेस थिंग्स। सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर डाउट करना, किसी के ऊपर संदेह करना। बताओ जरा, एक महीने में 20 पॉसिबल नहीं है, तो एक महीने में 15 प्लस तो आ सकते हैं, एक महीने में 15 प्लस तो आ सकते हैं कम से कम। मतलब आप कई बच्चे तो सोचते हैं 10 नंबर आ जाए वही बड़े वाले, 10 से कुछ होना नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दूं, 20 में से 10 नंबर की कट ऑफ रहती है इंग्लिश की कम से कम, लेकिन उससे कुछ होना नहीं है, आपको 15 प्लस तो मिनिमम चाहिए। देखो, जो बच्चा एक महीने से जुड़ा उसके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी जो लोग दो महीने तीन महीने जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनको तो 18 प्लस ही टारगेट रखना है, उनको 18-19 नंबर ही इनको लेने होंगे, और 20 के 20 ले लोगे तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। जल्दी बताओ क्या होगा। बहुत बढ़िया, सी आंसर होगा इसका, बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों ने सी बताया है। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, जो मीनिंग छिपा हुआ है, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, क्या बोलेंगे उसको, रीड बिटवीन द लाइंस, क्या बोलेंगे उसको, रीड बिटवीन द लाइंस। नेक्स्ट, आगे आपके पास स्पॉटिंग द एरर, आगे क्या आपके पास, स्पॉटिंग द एरर, एरर फाइंड आउट आपको करना होगा। ए मंकी ए पार्ट इज सीटिंग अंडर बी पार्ट द शेड ऑफ ए ट्री, बताना जरा, ए पार्ट ये है, ये आपका बी पार्ट है, ये आपका सी पार्ट है, बताओ जरा क्या होगा इसका। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, थैंक्स सुमित, थैंक्स फॉर नाइस कॉम्प्लीमेंट्स। आपको भी एफर्ट करने पड़ेंगे, हमारे अकेले के एफर्ट से काम नहीं चलेगा, आपको भी एफर्ट करने पड़ेंगे। कंचन घोष, 3 महीने से आप हो, अगर जो लोग 3 महीने से सीरियस, जो लोग पढ़ रहे हैं, प्रॉपर नोट्स जिन्होंने बनाए, स्टार्टिंग से मेरे को फॉलो किया, सारी बात मानी है, तो वो लोग 18 प्लस ले सकते हैं, 20 में से 18 नंबर ले सकते हैं एयरफोर्स के अंदर। एक्स या वाई ग्रुप तो एक पेपर सेम ही रहता है, ठीक है। तो बताओ जरा,
किस पार्ट में आपको एरर दिखाई दिया, किस पार्ट में एरर दिखाई दिया? ए मंकी सीटिंग अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, ये मैंने करवाया था, ये मैंने करवाया था आपको, ये मैंने करवाया था जब हम जब हमने पढ़ा प्रीपोजिशन, हमने पढ़ा प्रतिज्ञा बैच, हमने स्टार्ट किया प्रीपोजिशन से, जब हमने प्रीपोजिशन पढ़ा तभी चीज मैंने करवाई थी, जब ये चीज मैंने करवाई थी कि यहां पे अंडर यूज नहीं होगा, ठीक है, अंडर यूज नहीं होगा, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, इन यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, इन यूज करना पड़ेगा। मंकी जो है वो पेड़ की छाया के नीचे नहीं बैठ सकता, पेड़ की छाया में बैठेगा, छाया के नीचे नहीं जा सकता वो, मंकी जो पेड़ की छाया के नीचे नहीं जा सकता, अंडर यूज नहीं होगा, यहां पे इन यूज होगा, पेड़ की छाया में बैठेगा वो, अंदर बैठेगा उसके, ठीक है। तो क्या होगा यहां पे, बहुत बढ़िया, यहां पे क्या हो जाएगा आपका, इन हो जाएगा, बी में एरर था इसमें। आगे आपके पास क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, नेक्स्ट आपके पास क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो या फिलिंग द ब्लैंक हो या स्पोर्टिंग द एरर हो, मैं आपको एक चीज आपको बता दूं, नेवी एयरफोर्स संडे के अंदर एग्जामिनर कभी पूछता है स्पोर्टिंग द एरर, कभी पूछता है फिलिंग द ब्लैंक, कभी पूछता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये कुछ अलग अलग बातें नहीं है, ये सेम ही चीज होती है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, वोकैब स्ट्रॉन्ग है, एग्जामिनर चाहे एरर वाला क्वेश्चन पूछ ले, चाहे एग्जामिनर सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला पूछ ले, चाहे फिलिंग द ब्लैंक पूछ ले, सब एक ही चीजें होती है, सभी एक ही कहानी है, एक ही चीज को वो घुमा फिरा के आपसे पूछ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे ही अराइव्ड एट द वेन्यू, ही अराइव्ड, देखो यहां पे पास्ट टेंस है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर तुम्हें ध्यान हो, अगर तुम्हें ध्यान हो, मैं एक चीज बताई थी, पास्ट टेंस है, क्या टेंस है, पास्ट, पास्ट टेंस है तो आगे पास्ट ही रहेगा, ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस, अगर हमारा वाक्य का टेंस अगर शुरू में पास्ट है तो पास्ट रहेगा, शुरू में प्रेजेंट तो आगे प्रेजेंट रहता नॉर्मली। ही अराइव्ड एट द वेन्यू ओनली आफ्टर द मीटिंग वाज एडजर्न, मीटिंग वाज एडजर्न, यहाँ पे मीटिंग वाज एडजर्न को अंडरलाइन किया गया है, अगर यहाँ पे करेक्ट है तो आंसर क्या होगा, नो इंप्रूवमेंट। अगर इसमें इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो ए बी सी आपके पास ऑप्शन है, बताओ क्या होगा, बताओ जरा यहाँ पे क्या होगा। प्रियंका गुप्ता को छोड़ दो, अजय उसको छोड़ दो, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, जो तुम्हारा टारगेट है, जो तुम्हारा लक्ष्य है उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है, बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करो, ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला, हर एक छह महीने बाद कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो सिचुएशन आपके पास आ जाए, जो माहौल आपके पास आ जाए, जो घर वाले आज आपको सपोर्ट कर पा रहे हैं, क्या पता छह महीने बाद वो ना आपको कर पाए, क्या पता क्या कंडीशन हो आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आप तैयारी ना कर पाओ, तो जो टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज करो, जो प्रियंका गुप्ता है और कोई है उसके ऊपर ध्यान मत दो, क्लास के ऊपर ध्यान दो, जो चीज मिल रही है उसके ऊपर फोकस करो। प्रिंस यादव वो क्लास डेली होगी, वो क्लास 3:30 बजे होगी, टेंस उसमें मैंने हाफ 6 टेंस में करवा ली, बचे हुए 6 टेंस को आज मैं करवा दूंगा, बचे हुए 6 टेंस को हम 3:30 बजे कर लेंगे, तो 3:30 बजे आपको मिलना होगा, 3:30 बजे क्लास होगी, क्योंकि रिवीजन की क्लास चलेगी लगातार, ठीक है, उसमें आना है आपको। एडजर्न का मतलब, अब आप एक बार देखोगे एडजर्न का मतलब, आप देखोगे एडजर्न का मतलब, आप देखोगे तो एडजर्न का मतलब आप देखते हो कोर्ट इज एडजर्न, अगर आप मूवी देखते हो, मूवी के अंदर आपने देखा होगा, सीरियल के अंदर आपने देखा होगा, जो जज होता है क्या बोलता है लास्ट में, कोर्ट इज एडजर्न, कोर्ट जो है ना एडजर्न किया जाता है, कोर्ट को स्थगित किया जाता है, आज के लिए कोर्ट की कार्रवाई रोकी जाती है, तो एडजर्न का मतलब क्या होता है, किस चीज को स्थगित करना, रोक देना, क्या बोलते हैं इसको एडजर्न, ये वर्ड आप बार बार सुनते होंगे मूवी के अंदर, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे क्या होगा, बताओ, मीटिंग वाज एडजर्न्ड, मीटिंग हैड बीन एडजर्न्ड, एडजर्न्ड ऑफ द मीटिंग या नो इंप्रूवमेंट। जल्दी बताओ यहां पे, यहां पे आप अगर थोड़ा ध्यान देते, थोड़ा ध्यान देते, अगर आपने अच्छे से एनालाइज करते, बेसिक्स हमारे स्ट्रॉन्ग हो ही चुके हैं, आपने देख लिया होगा कि पैसिव वॉइस कैसे बनता है, पैसिव वॉइस कैसे बनता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस कैसे बनता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की फॉर्म कौन सी, यहाँ पे वॉज, यहाँ पे बी की फॉर्म है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये थर्ड फॉर्म थोड़ी है, ये तो क्या है, फर्स्ट फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म किस में, मीटिंग वर्ड एडजर्न, ये क्या होगा, बी आंसर, बहुत सिंपल है। देखो मैं एक मैं चीज आपको बता दूं, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपके बेसिक भी स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने अच्छे से बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ रखा है, वो क्लास अच्छे से देख रखी है, तो भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम के अंदर, वो कैब हो चाहे ग्रामर हो, वहां से हेल्प मिल जाएगी।
अगर आपको इतना भी पता होता कि बी प्लस वी थ्री होता है पैसिव वॉइस में, तो भी इसको आराम से कर पाते, ठीक है। देखो इसका मीनिंग ना भी पता हो, अगर इस वर्ड का मीनिंग ना भी पता होता तो भी इसको कर सकते थे। तुम्हें ये तो पता था कि बी प्लस वी थ्री चाहिए, पैसिव वॉइस चाहिए, तो थर्ड फॉर्म तो ये है नहीं, थर्ड फॉर्म तो क्या यहाँ पे ये है, तो इसका मीनिंग ना पता हो। मैंने एक शुरू में आपको बता दिया था कि अगर आपको इंग्लिश वर्ड के हिंदी मीनिंग नहीं पता, अगर आपके इनके उनके सिनोनिम भी नहीं पता, तो भी आप ग्रामर में या वो कैप में अच्छा स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के लिए हिंदी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जो लोग हिंदी पढ़ पढ़ के हिंदी के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो हिंदी के चक्कर में ज्यादा ना रहे, वो कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दे। कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दोगे, बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपको फायदा होगा, तब जाके आप स्कोर कर पाओगे 18 19 नंबर 20 में से। हिंदी के चक्कर में रहोगे तो दिक्कत आपको रहेगी, दिक्कत आपको रहेगी, ठीक है। चलो, What he intends to propose is not clear from his letter. यहां पे intends to propose को अंडरलाइन किया गया है। अगर ये सही है तो क्या है, no improvement। अगर कोई improvement आपको लग रहा है तो बताओ A, B, C में से क्या improvement होगा। Preposition में अभिषेक मलिक, preposition मैंने करवा रखा है, preposition मैंने करवा रखा है, ये बात सब चीजें हो रखी है। आपको जाके वो क्लास लेनी है। अगर आपकी क्लास मिस हो गई है तो मिशन यूनिफॉर्म बैच हो या प्रतिज्ञा बैच हो, उसमें अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी ग्रामर की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है दोनों बैच में, दोनों बैचेज में वो कैब की अलग प्लेलिस्ट बनी, वो कैब की अलग प्लेलिस्ट दोनों में अलग अलग। अच्छा, प्रतिज्ञा बैच में बात करेंगे तो 20 मॉक टेस्ट अलग से हो चुके हैं इन मॉक टेस्ट के अलावा, ठीक है, वो भी आपको देख लेने। तो जितना आप देख पाओ उतना आप देख लो, जितना आप देख पाओ उतना आप देख लो। वही मैं आपको बता रहा हूँ, मौज करिए। सर लास्ट टाइम मेरा दो हिंदी के चक्कर में दो गलत हो गए थे, वही मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी के चक्कर में रहोगे, हिंदी बना बना के सीखना चाहोगे तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, आपको दिक्कत आएगी, खासकर ग्रामर में लगा लो या वो कह में भी आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। कई बार ऑप्शन के हिसाब से आप कर पाओगे, बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप कर पाओगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी तो कर पाओगे, रीडिंग हैबिट्स आपको डेवलप करनी पड़ेंगी, रीडिंग स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेंगे। लेकिन अब टाइम हमारे पास बहुत कम है, लोग बहुत लेट हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत लेट जुड़े हैं तो उनको तो बहुत कम आप रीडिंग स्पिल हैबिट नहीं कर पाओगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ पाओगे, इतना टाइम नहीं है। लेकिन जो क्लास हो रखी है उनको जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करो, जल्दी जल्दी उनको पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। निशिंत शर्मा, टाइम तो हमें निकालना पड़ेगा, टाइम तो हमें निकालना पड़ेगा। आप ये कर सकते हो कि मिशन यूनिफॉर्म बैच की जो 34 क्लास है, मिशन यूनिफॉर्म बैच की जो 34 क्लास है जिनमें रूट वर्ड्स और लिंकिंग मेथड से वर्ड करवा रखे हैं, वो आपको देख लेनी है जरूर, वो आपको जरूर देख लेनी है, ठीक है। बताओ जरा यहाँ पे क्या होगा, टेंथ का क्या होगा। कुछ लोग ए बता रहे हैं, व्हाट ही इंटेंडिंग टू प्रपोज, देखते हैं क्या होगा। व्हाट ही इंटेंडिंग, इंटेंडिंग होगा या इंटेंड्स होगा, देखते हैं क्या होगा। What he intends to propose is not clear from his letter. Meaning क्या है इसका, अगर आप meaning देखना चाहते हो इसका, तो क्या बोल रहा है कि कोई बंदा उसने letter लिखा है, ठीक है। मान लो कोई बंदा उसने मेरे को letter लिख दिया, और वो क्या कहना चाहता है, ठीक है, वो क्या अपना प्रस्ताव रखना चाहता है, क्या बात कहना चाहता है, उसके letter से clear नहीं हो पाया, उसके letter से ये बात clear नहीं हो पाई कि उसका प्रस्ताव क्या है, वो क्या कहना चाहता है, ठीक है, ये इसका मतलब होगा। तो यहां पे क्या होगा, डी आंसर होगा, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, इसमें नो इंप्रूवमेंट, इसमें क्या होगा, नो इंप्रूवमेंट, क्या रहेगा इसमें, नो इंप्रूवमेंट। चलो फास्ट पढ़ा देंगे मोहम्मद जिला, डोंट वरी फास्ट पढ़ा देंगे। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, कई लोगों को दिक्कत रहती है इसे कमेंट मत पढ़ो, कमेंट अगर नहीं पढ़ेंगे तो जो बच्चे लेट जुड़े हैं या जिनको कोई दिक्कत है, अगर वो स्ट्रेटजी पूछ रहे हैं तो उनका हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत उनको बताना भी जरूरी है, जो भी चीजें पूछते हैं, तो बच्चों की प्रॉब्लम लेना भी जरूरी है, इसलिए कॉमेंट देखे जाते हैं, इसलिए कॉमेंट देखे जाते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है फास्ट पढ़ाने में, मैं मोबाइल में साइड में रख के ही पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा, मैं आपको बता दूं पहले ही, ठीक है। आगे क्या होगा, सी रोट लेटर फिलिंग ना ब्लैंक ब्लड, सी रोट लेटर फिलिंग ना ब्लैंक ब्लड, ठीक है अनुराग वैदी, अच्छी बात आपको समझ में आया, आपकी अच्छी बात आपको समझ में आ गया, जल्दी बताओ। सी रोट लेटर फिलिंग ना ब्लैंक ब्लड, बताओ इसमें क्या होगा। जब हमने पढ़ा क्या पढ़ा, हमने प्रीपोजिशन हमने पढ़ा, तब ये चीज मैंने करवाई थी, बताओ क्या होगा इसमें। सी रोट लेटर बाय ब्लड, सी रोट लेटर विद ब्लड, इन ब्लड या एट ब्लड, क्या आएगा इसमें, जल्दी से कमेंट करो। काफी लोग यहां पे ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, ठीक है।
कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी, कुछ लोग सी बता रहे हैं, अलग अलग यहाँ पे आंसर मिले। अब जो लोग ए और बी बता रहे हैं मैं उनको बता दूं, वो हिंदी वे बेस पे इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग ए और बी बता रहे हैं वो इसको हिंदी बना के कोशिश कर रहे हैं। उसने खून के दोबारा लेटर लिखा, उसने खून के साथ लेटर लिखा, तो हिंदी बना के कर रहे हैं, उनका गलत हो चुका है। यहाँ पे बाय विद यूज नहीं होगा, यहाँ पे इन यूज होगा। क्या होगा यहाँ पे? इन यूज होगा। ये मैंने समझाया था आपको प्रीपोजिशन वाले टॉपिक में, जब मैंने आपको मिसलेनियस प्रीपोजिशन करवाई थी, बाय और विद मैंने करवाया था, वहां पे चीज मैंने करवाई थी कि जब भी बात होगी मेटेरियल की, किसकी बात होगी? मेटेरियल की बात होगी, किसी पदार्थ की बात होगी, उससे पहले क्या आएगा? इन प्रीपोजिशन आएगी। क्या आएगी? इन प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे सी आंसर होगा। आपने या तो क्लास देखी नहीं है या आप भूल चुके हो। अगर आप भूल पिछली क्लास को तो रिवाइज करो, नहीं क्लास देखी पिछली तो उनको जाके देख लो, उनके जाको उनके देख लो जाके, ठीक है? सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, ए बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स फिल इन द ब्लैंक टू हेल्प द फैकल्टी मेंबर्स इन देयर अटेम्प्ट टू रेज द फंड्स, बताओ क्या होगा? हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड, वर ऑर्गेनाइज्ड या हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड, बताओ। ये आपका टेंस लगा लो, ओम बगैर राजपूत आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन ना लो। बताओ जरा यहां पे। अच्छी बात है, इंग्लिश करने में मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात। चलो जल्दी बताओ यहां पे क्या होगा। ए बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स फिलिंग द ब्लैंक टू हेल्प द फैकल्टी मेंबर्स। किसी बच्चे को डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, किसी बच्चे को भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। किसी को ये नहीं लगना चाहिए 15 नंबर नहीं आएंगे, 18 नंबर नहीं आ सकते हैं। तुम लोगों को एफर्ट करना है, तुम लोगों को जितना मैक्सिमम तुम पढ़ पाओ, जितना मैक्सिमम तुम पढ़ पाओ, तुम्हारी जो कैपेसिटी हो दिन रात उतना पढ़ पाओ, उतना पढ़ो, ठीक है? जरूर आपका अच्छा स्कोर होगा। बताओ यहाँ पे क्या होगा। ए बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स क्या होते हैं? जो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। मनमर्जी मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा से काम करते हैं, वो पैसे नहीं लेते, वो कुछ किसी के पैसे नहीं लेते, काम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बताओ यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे आप देखोगे बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, अब यहाँ पे ये एक ही ग्रुप है, ये क्या पूरा एक ही ग्रुप है। ए बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स का मतलब क्या है? एक ग्रुप है पूरा, एक क्या है? सिंगुलर ग्रुप है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या आएगा? हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। क्या बनेगा यहाँ पे? हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, ए आंसर होगा इसका, ठीक है? तो ये क्या आपका एक सिंगुलर ग्रुप है, क्या है? एक सिंगुलर ग्रुप। तो वर्ब भी क्या आएगी यहाँ पे? सिंगुलर वर्ब आएगी, हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है? आगे, He usually fling the blank the truth. He usually fling the blank truth. English बहुत कमजोर है, I love my India, army fan. English कमजोर है तो बिल्कुल सही जगह पे आप आए हो। आपको सारी क्लास पिछली देख लेनी है, जितने आप देख पाओ मिशन यूनिफॉर्म और प्रतिज्ञा बैच की, और ये क्लास भी आप लगातार देखते रहो, इंग्लिश अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, और आपको सारी क्लास देखनी पड़ेगी। जल्दी बताओ, आसिफ अहमद है नहीं आएगा, है जाएगा उसमें, वो वहां पे एक ही ग्रुप था, वो ए बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स का एक सिंगल ग्रुप है वो, तो वो अब सिंगल आएगी, है जाएगा उसमें। क्या बनेगा इसमें? यूजुअली यहाँ पे आया हुआ है, क्या है? यूजुअली यहाँ पे आया हुआ है। मैंने आपको बताया था यूजुअली, नॉर्मली, ठीक है? यूजुअली नॉर्मली ये जो वर्ड आपके है यहाँ पे, जनरली वर्ड है, ये किसको शो करते हैं? परमानेंट एक्शन। किसको शो करते हैं? परमानेंट एक्शन। और मैंने टेंस में करवाया था, ठीक है? परसों हमने रिवाइज किया था चीजों को। तो टेंस में हमने क्या पढ़ा कि जो एक्शन आपका परमानेंट होगा, जो एक्शन क्या होगा? परमानेंट, उसके लिए क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके लिए क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यूजुअली हो, नॉर्मली हो, जनरली, ये किसको शो करते हैं? परमानेंट एक्शन को शो करते हैं, परमानेंट एक्शन को शो करते हैं, तो उसमें क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ही क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। सी आंसर बनेगा। क्या आंसर बनेगा इसका? सी, बहुत ईजी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे होगा। He is filling the blank Ram of modern India. ये क्वेश्चन आपका है आर्टिकल से। जल्दी बताओ क्या होगा 14th का। बताओ क्या होगा।
बताओ यहाँ पे क्या होगा 14th का, ये हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था, ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये हमने पढ़ा था कि कब आपको प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल लगाना है। नॉर्मली किसी प्रॉपर नाउन से पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता, लेकिन जब उसको हम कंपेयर करते हैं, जब ये आपका प्रॉपर नाउन क्या बन जाए, कॉमन नाउन बन जाए, क्या बन जाए, ये कॉमन नाउन, अब ये क्या बन चुका है, कॉमन नाउन बन चुका है, क्या बन चुका है, कॉमन नाउन। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में राम यहाँ पे प्रॉपर नाउन नहीं है, ये यहाँ पे कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा बन चुका है, तो अब वहां पे क्या लगा देंगे, आर्टिकल लगा देंगे। ठीक है, थैंक्स थैंक्स फॉर नाइस कॉम्प्लीमेंट्स नो प्लेयर। आगे आप देखोगे, आपको बताना इनडायरेक्ट स्पीच, आपको बताना हो क्या बताना होगा, इनडायरेक्ट स्पीच। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने पिछली क्लास ले ली होंगी सारी, तो मॉक टेस्ट में आपका बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। मॉक टेस्ट में इंग्लिश में आप देख पाओगे 16 नंबर 17-18 नंबर आपके आ जाते हैं आराम से, लेकिन पिछली क्लास आपने नहीं ली है, प्रतिज्ञा बैच हो, एडमिशन यूनिफॉर्म बैच हो, तो आपको कम नंबर आ रहे होंगे। तो आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि लाइव क्लास के बाद आपको पिछली क्लास ले लेनी है। ठीक है, बताओ यहां पे क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है किसका, पिंकी सेड टू गौरव, क्या कहा पिंकी ने गौरव को, कॉमा इनवर्ट कॉमा स्टार्ट, विल यू हेल्प मी इन माई वर्क जस्ट नाउ, बताओ यहां पे क्या होगा, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, जल्दी बताओ। आर्टिकल नहीं पढ़े तो पढ़ लो जाके सुनील सारण, आर्टिकल नहीं पढ़े तो पढ़ लेना, जो टॉपिक आपका मिस हो गया है वो टॉपिक जरूर कवर कर लेना, जरूर आपको देखना है सारे टॉपिक्स। ठीक है, एक टॉपिक भी छोड़ना नहीं है, सारे टॉपिक्स आपको देखने होंगे। बताओ यहाँ पे क्या होगा, पिंकी सेड टू गौरव कोमा इनवर्ट कोमा स्टार्ट विल यू हेल्प मी इन माई वर्क जस्ट नाउ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क, ये आपका इंटीग्रेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, ये भी आपको देखना होगा। तो जो लोग यहाँ पे सी बता रहे हैं, जो लोग सी बता रहे हैं वो ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे ये विल आपका पहले आ गया, विल क्या आपका हेल्पिंग वर्ब, जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो वो क्या बनता है, इंटीग्रेटिव सेंटेंस बनता है, क्या बनता है, इंटीग्रेटिव सेंटेंस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है वो भी देख लो। तो टोल्ड कैसे बता रहे तुम लोग, टोल्ड तो आएगा नहीं, टोल्ड कब आता है, अगर वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस होता अंदर कोमा के अंदर, जिसमें रिपोर्टेड स्पीच जिसको हम बोलते हैं, तब जाके टोल्ड आता है। तो टोल्ड कैसे आ गया, सी कैसे बोल रहे हो तुम लोग, सी तो आएगा नहीं इसमें, इसमें आंसर क्या होगा, आस्क्ड, क्या बनेगा इसका, आस्क्ड, पिंकी आस्क्ड, पूछा है उसने गौरव से, तो ठीक है। और बीच में कंजक्शन क्या लगेगा, इफ या वेदर, चाहे इफ लगाओ चाहे वेदर लगाओ, एक ही बात होती है। ठीक है, यू क्या है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, गौरव, इसके लिए क्या आ गया, ही आ गया प्रोनाउन, गौरव क्या होगा, मेल, मेल के लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही। ये सब चीजें हमने नरेशन वाले क्लास जो हमने मिशन यूनिफॉर्म मैच में पढ़ी थी वहां पे मैंने करवा दी थी, वहां पे मैंने करवा दी थी, जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी होगी वो देख लेना, अगर ना देख पाओ टाइम नहीं लग रहा तो मैं क्विक रिवीजन भी करवा रहा हूँ, क्विक रिवीजन भी करवा रहा हूँ, आज टेंस खत्म कर देंगे 3:30 बजे, टेंस के बाद हम कंडीशनल सेंटेंस खत्म कर देंगे क्लास में, फिर हम वर्ब खत्म कर देंगे, फिर वॉइस नरेशन भी मैं करवाऊंगा, तो क्विक रिवीजन वाली क्लास में भी मैं वॉइस नरेशन कंडीशनल सेंटेंस और टेंस वर्ब करवाऊंगा, तो वो भी आप देख सकते हो, या फिर आपके पास टाइम है तो आप मिशन यूनिफॉर्म बैच में जाके, ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में जाके आप नरेशन वॉइस कंडीशन सेंटेंस वर्ब टेंस और बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, पैसिव फॉर्म बनाने किसकी, पैसिव वॉइस बताना है किसका, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी का क्या बताना है आपको, पैसिव वॉइस बनाना है, क्या बनाना है इसका, पैसिव वॉइस बनाना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। ठीक है, प्लीज हेल्प मी का क्या बनाना है, पैसिव वॉइस, ये मैंने करवाया था आपको, जब मैंने आपको वॉइस करवाई मिशन यूनिफॉर्म मैच में, जब मैंने आपको वॉइस करवाए थे तब ये चीज मैंने आपको करवाई थी। ठीक है, कोई बात नहीं मदन, आपके तीन गलत हो गए, एक चीज मैं आपको बता दूं, चाहे आपके तीन गलत हो जाए, चाहे आपके 13 गलत हो जाए, चाहे आपके 30 गलत हो जाए, आपको कभी भी हार नहीं माननी, जो चीज गलत हो जाए, जो क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो ये देखा करो मेरी गलती कहां पे हुई है, ध्यान से बैठ के ये देखा करो, दोबारा अभी क्लास देख सकते हो, टाइम है तो तुम्हारे पास, ये देखा करो मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, और आगे जीवन में कभी भी वो क्वेश्चन दोबारा गलत नहीं होना चाहिए, एक बार गलती यहाँ पे हो सकती है कोई दिक्कत नहीं, दो बार गलती यहाँ पे, जितनी भी बार गलती करनी है डिफेंस ब्यूरो पे कर लो, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और जो पढ़ा दिया ग्रामर वो कैब उससे बाहर भी नहीं आएगा, ये भी गारंटी होगी, एयरफोर्स नेवी एनडीए कोई भी होगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपको वो चीज पढ़नी है, आपके माइंड में वो चीज होनी चाहिए, जो पैटर्न बताया गया कि सिस्टमेटिक चीजें देखनी है, सिस्टमेटिक का मतलब क्या है, अगर मिशन यूनिफॉर्म बैच में जाओगे तो आपको क्लास नंबर 1 से लगना है क्लास 33
3 तक पहुंचना ग्रामर वाली क्लास में। ऐसे मिशन यूनिफॉर्म बैच वो कैब देखना चालू करोगे तो क्लास फर्स्ट से देखना 34 नंबर क्लास तक लगातार देखना, वो क्लास ऐसे देखोगे वन बाय वन तो आपको इंटरेस्ट आएगा, इंग्लिश आपको आसान लगेगी। 16th का क्या बताया आपने, प्लीज हेल्प मी, यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात हो रही है, यू आर रिक्वेस्टेड, तो यहाँ पे हेल्प क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस, तो क्या बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। बहुत बढ़िया, बहुत इजी क्वेश्चन है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ये हम पढ़ चुके हैं मिशन यूनिफॉर्म बैच में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर, जब हमने पढ़ा था इंपेरेटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे आपके पास क्या है, फिलिंग द ब्लैंक आपके पास है, फिलिंग द ब्लैंक आपके पास है। ये जो क्वेश्चंस आपके हैं ये टेंस के ऊपर बेस है, टेंस के ऊपर बेस है। ठीक है, तो टेंस आपको अच्छे से देख लेना है, टेंस की क्यों रिवीजन भी मैं करवा रहा हूं, पहले डिटेल में टेंस करवा भी चुका हूं। देखो जो बच्चे नए हो जिनको क्विक रिवीजन में दिक्कत आ जाए, आपका क्विक रिवीजन कितने बजे चलता है, 3:30 बजे आपका क्या चलता है, क्विक रिवीजन चलता है। मैं आपको एक चीज आपको बता दूं, क्या चलता है 3:30 बजे आपका, 3:30 PM पे क्या चलेगा, क्विक रिवीजन चलेगा। ठीक है, तो क्विक रिवीजन में आप अगर आप क्विक रिवीजन में आपको दिक्कत आ जाए, समझ में कुछ अगर ना आए तो आपको क्या करना है, आपको मिशन यूनिफॉर्म, अगर इस क्लास में आपको दिक्कत आ रही है जो नए बच्चे हो समझ में ना आ पाए, क्योंकि मैं बहुत तेज करवाता हूं। ठीक है, क्योंकि जो क्लास मैंने टेंस की 7-8 क्लास ली थी वो आपके 2 क्लास में हो जाएंगी, 2 से आपके वो 2.5 घंटे में क्लास हो जाएगी, जो हमने 5 घंटे में करवाया था, तो फास्ट करवाना पड़ेगा, एग्जाम्पल कम दे पाएंगे। तो क्या करना है आपको, अगर यहाँ दिक्कत आ जाए इस क्लास में, कोई चीज समझ में ना आए, तो आपको मिशन यूनिफॉर्म बैच में जाके या प्रतिज्ञा बैच में जाके वो टॉपिक डिटेल में करवा रखे हैं, वहां से टाइम लगा के देख लेना, वहां से टाइम लगा के देख लेना। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका, इट फिलिंग द ब्लैंक सिंस अर्ली मॉर्निंग, इट रेन्ड, इट इज रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, इट विल बी, विल हैव बीन रेनिंग, जल्दी बताओ यहां पे क्या होगा, रेन्ड, इज रेनिंग, हैज बीन रेनिंग, विल हैव बीन रेनिंग, क्या बनेगा इसमें। यहां पे आप देख रहे हो सिंस अर्ली मॉर्निंग, क्या लिखा, सिंस अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, तो क्या बनेगा, इट हैज बीन रेनिंग। विमेशमल, बीमेशमल, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जिसका भी एग्जाम है उस सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देके जाना। ठीक है, अच्छे से एग्जाम देके आना, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देके आना, अच्छा एग्जाम होगा आपका। इट हैज बीन रेनिंग, टेंस क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनेगा यहाँ पे। सुबह से बरसात हो रही है, सुबह से बरसात हो रही है, यानी काम का कुछ हिस्सा तो पूरा हो चुका है और कुछ हिस्सा काम का चल रहा है, तो टेंस हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो जिस वो टेंस कब आता है, जब काम का कुछ हिस्सा पूरा हो जाए और कुछ हिस्सा चल रहा हो, तो वहां पे क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है, तो बारिश के मान लो 2 घंटे बारिश हो रही है, अब बारिश चल भी रही है, 2 घंटे तो हो चुके और बारिश चल भी रही है, यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, मतलब काम का कुछ हिस्सा पूरा हो गया और कुछ अभी चल भी रहा है, कुछ परफेक्ट हो गया, कुछ कंटिन्यू भी है, प्रेजेंट में काम हो रहा है, तो टेंस क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो अगर आप ये टेंस देख लेते टेंस में, आज भी आप देख लोगे अगर पीपीसी, तो ये क्वेश्चन आप समझ जाओगे। 17th नंबर, 18th बताओ, He jumped off the bus while it filling the blank moving. ठीक है, अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी, अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी टेंस की, अगर आपने फ्राइडे वाली क्लास देखी टेंस की, जिसमें हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करवाया था, क्या करवाया था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने एक पॉइंट करवाया था आपको, इंटरप्शन शोविंग सेंटेंस, क्या करवाया था, इंटरप्शन शोविंग सेंटेंस, वहां पे ये कंसेप्ट करवाया गया था आपको, वहां पे कंसेप्ट करवाया गया था। ठीक है, क्या चल रहा था वहां पे, हमने क्या पढ़ा था कि एक काम चल रहा था, एक काम चल रहा था, एकदम से दूसरा काम हो गया, एकदम से दूसरा काम हो गया, तो बस चल रही थी, बस चल रही थी, एकदम से क्या हुआ, वो बंदा जंप कर गया, बस जब चल रही थी तो क्या हो गया, वो जंप ऑफ, वो क्या कर, जंप ऑफ कर गया, तो जो काम चल रहा था उसके लिए क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, और जो काम एकदम से हो जाएगा उसमें क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनेट, उसमें क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनेट। तो यहाँ पे आपने देखा होगा क्या है, पास्ट इंडेफिनेट, तो यहाँ पे क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, तो क्या बन गया, वाज मूविंग। ये हमने पढ़ा था किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस टेस्ट हमने करवाया फ्राइडे को क्विक रिवीजन में। ठीक है, वहां पे हमने करवा दिया था, तो जो करवा दिया उससे बाहर नहीं होगा, जो कर उससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, बस होने वाला है 2 क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए, बस खत्म हो जाएगा आपका ये। टू बेल द कैट, ये हमने इडियम पढ़ लिया था, बिल्ली को घंटी बांधना, बिल्ली को घंटी कौन बांधेगा, आप बचपन से ये स्टोरी पढ़ते आ रहे होगे, ये कहानी पढ़ते आ रहे होगे आप लोग,
टू बेल द कैट, कि बिल्ली को घंटी कौन बांधेगा। एक बार चूहों में मीटिंग होगी, ठीक है, जो माउस थे उनमें मीटिंग होगी कि क्यों ना हम बिल्ली के गले में घंटी बांध दे, ताकि जब भी बिल्ली मुंह से आए तो हमें पता लग जाए कि बिल्ली आने वाली है, ताकि हमें पता लग जाए कि खतरा आने वाला है, हम जाके छुप जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या राइज हुआ वहां पे कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, यानी सबसे पहले कौन खतरा मोल लेगा, सबसे पहले स्टेप कौन लेगा, ठीक है। तो बताओ यहां पे क्या होगा। दिलीप तिवारी 20 अगर क्लास बाकी है तो 20 क्लास को ले लो, जितना जल्दी हो सके वो क्लास पढ़ लो, आपको फायदा मिलेगा, आपका स्कोर इंप्रूव होगा। तो ये भी आप देख पा रहे हो, टू टेक लीड इन डेंजर, ठीक है, खतरे में कौन आगे रहेगा, कौन लीड करेगा, ठीक है, जब सिचुएशन मुश्किल हो, डिफिकल्टी हो, खतरा अगर सामने दिखाई दे रहा है तो कौन लीडर बनेगा, वो क्या होगा, टू बेल द कैट, ठीक है। ए आंसर होगा इसका, बहुत बढ़िया। ए लास्ट क्वेश्चन आपके पास, आखिरी क्वेश्चन है, टू बी इन ए फिक्स, टू बी इन ए फिक्स, टू बी इन ए फिक्स का बताओ क्या होगा। और आपको पता है 11:30 बजे आपकी जीके वाली क्लास भी होगी, ठीक है, 11:30 अभी आपका आधा घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 30 मिनट बाद थोड़ा आराम कर लेना, जिसको ब्रेकफास्ट करना ब्रेकफास्ट कर लेना, थोड़ा आराम कर लेना, और जिसको जूस पीना है, चाय पीनी हो चाय पी लेना, थोड़ा फ्रेश हो जाना। आधा घंटे बाद फिर से क्लास होगी जीके की, 12:30 बजे क्लास होगी वो कैब की, उसमें भी आपको आना होगा, ठीक है। 12:30 क्लास वो कैब की, 11:30 बजे आपकी किसी क्लास है जीके की, और 3:30 बजे क्लास किसकी होगी, 3:30 बजे क्लास होगी आपकी टेंस का, क्योंकि रिवीजन चलेगा, तो टेंस का रिवीजन जिसको करना हो बहुत फास्ट, वो 3:30 बजे मिल जाएगा, 12:30 वो कैब क्लास में जरूर आना है, वो कैब वाली क्लास में आपको जरूर आना होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, वो कैब क्लास बिल्कुल मिस मत किया करो, ग्रामर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वो कैब होगी, मैं आपको बता दूं, तो वो कैब की क्लास जरूर आपको लेनी 12:30 बजे, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका, टू बी इन ए फिक्स, ये भी आपका एक ईडियम है, ये भी क्या एक ईडियम है, इसका मीनिंग बताओ, टू बी इन ए फिक्स। तो यहां पे कुछ लोगों ने बताया है ए, बताया कुछ लोगों ने सी बताया, देखते हैं क्या होगा। इसका मीनिंग क्या है, टू बी इन परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन। परप्लेक्स अभी हमने पढ़ा था, तुम्हें ध्यान हो, परप्लेक्स मैंने लिखा था जहां पे हमने पढ़ा था, कंफ्यूज एट सी इन ए डायलेमा, ये हमने पढ़े थे, ठीक है, वहां पे परप्लेक्स भी लिखा हुआ था, वो हमने परप्लेक्स भी लिखा था, परप्लेक्स का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज होना, कंफ्यूजन में होना, कंफ्यूजन में होना, परप्लेक्सिटी का मतलब क्या है, कंफ्यूजन, ठीक है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन, उलझन में होना, किसी उलझन में होना क्या होता है वो, टू बी इन ए फिक्स, टू बी इन ए फिक्स, ए आंसर होगा इसका। दिलीप तिवारी वोकैब से 8-9% नहीं आते, वोकैब देखो, वोकैब क्या है, एक सिनोनिम, एक एंटोनिम, एक इडियम फ्रेज, एक वन वर्ड आपका आ गया, स्पेलिंग एरर आ जाएगा, पी के वर्ड आ जाता है उसमें वोकैब की हेल्प पड़ जाती है, पैसेज आता है उसमें वोकैब की हेल्प पड़ जाती है, ठीक है। और ग्रामर के जो क्वेश्चन बनते हैं, फिलिंग द ब्लैंक हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, या एरर वाले क्वेश्चन, उनमें वोकैब काम आ जाती है, वोकैब आपकी पूरी इंग्लिश में काम आएगी, सारे सब में वोकैब काम आ जाती है, ठीक है। तो वो कैब के ऊपर जोर देना, 12:30 बजे वो कैब क्लास में मिलना है, 11:30 बजे आपकी क्लास होगी जीके वाली क्लास, इसमें आना, आधा घंटे का टाइम आपके पास होगा, तो इसमें थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, खा पी लो कुछ, आराम कर लो, आधा घंटे बाद फिर से आपको आना है, आधा घंटे बाद आना है फिर से, ठीक है, कोई बात नहीं। आज अगर आपके 15 नंबर आए हैं, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, 15 नंबर कम नहीं है, धीरे धीरे स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, धीरे धीरे स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, और एग्जाम में बहुत मुश्किल पेपर नहीं आता, ये बात आप जान लो। आपके अगर यहाँ 15 रहे तो एग्जाम में 18 भी आ सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं यहाँ पे 15 है तो वहां पर 15 ही आएंगे, अगर यहाँ पे 15 है तो जरूरी नहीं कि उसमें 18 भी आ सकते हैं, 19 भी आ सकते हैं, और पेपर भी डिपेंड होता है, आपकी तैयारी भी डिपेंड होगा, लेकिन 15 से कम तो नहीं रहेंगे, ये बात श्योर है, 15 से कम नहीं रहेंगे, 17, 18, 19 नंबर आपके आ सकते हैं। चलो हम मिलेंगे, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, 12:30 बजे मैं मिलूंगा, लेकिन आपको मिलना 11:30 बजे, ठीक है। तो वो कैब में जरूर आना, ये बात ध्यान रखना, वो कैब क्लास बिल्कुल मिस नहीं करनी, सभी का वेलकम, सभी का वेलकम, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। क्लास को बस आपको लाइक करना है, मैक्सिमम लोगों तक क्लास को शेयर करना है, डिफेंस रूजी आपसे कि सिर्फ एक शेयर चाहता है, शेयर मतलब आपको क्लास को हर जगह जितना भी मैक्सिमम आप शेयर कर पाओ, और व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर नहीं करना, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ आप पर्सनली भी शेयर कर सकते हो, ये मत सोच रहा कि वो बंदा प्रिपरेशन कर रहा है नहीं कर रहा, उसका कोई नोन, उसका कोई जानकार, उनको बोल सकते हो शेयर कर दो, जिसके आप शेयर कर रहे हो, जो प्रिपरेशन नहीं भी कर रहा हो उसके बारे में, उसके पास भी शेयर कर सकते हो, उसको बोल सकते हो कि आपका कोई भी जानकार एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, इंडियन कोस्ट गार्ड, किसी डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उसके पास वो शेयर कर सकता है, सभी को व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है, तो डिफेंस रूजी का आपको सपोर्ट करना है, आपके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी डिफेंस रूजी के, आपके सपोर्ट से डिफेंस रूजी आज जिंदा है और आगे जिंदा रहेगा, तो सपोर्ट जरूर करना है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।